हेलो सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी में। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो उसी में हमने एक और कड़ी जोड़ने का वादा कर दिया था और कर भी रहे हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, जी हाँ, ये जो वन शॉट लेक्चर्स हैं सारे चैप्टर्स के, हम वो स्टार्ट करने कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी सर ने, दिनेश सर ने दो चैप्टर खत्म कर दिया। आज मैथ्स वन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं। देखो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इतना तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले, वैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। ये इतने सालों का एक्सपीरियंस से मालूम पड़ जाता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। बस बच्चों फटाफट सभी लोग आ जाओ फटाफट। यस सो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का इस बैच में, इस लेक्चर में। जी हाँ, फटाफट आओ जल्दी भाई, महाराष्ट्र एचसी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वन शॉट लेक्चर चालू है मैथमेटिक्स का। 80 में से 80 लाना है तो कहां जाना, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आना। आ जाओ जल्दी फटाफट। यस यस मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है क्या बात है, जल्दी जल्दी। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वन शॉट लेक्चर की, चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। रिमोट चैप्टर का नाम है बच्चों मैथमेटिकल लॉजिक। एंड इतना तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है तो उसके अंदर ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज ये आपका टाइम भी बचाएगा, दूसरा अच्छे मार्क्स भी देगा। तो सबसे पहले मैं अपने इस मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर की बात करूंगा, तो इसका जो वेटेज है बच्चों 8 मार्क्स का है विथ ऑप्शंस। यस विथ ऑप्शन, बच्चों जरा ध्यान देना, ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स का चैप्टर आता है, 8 मार्क्स का। मतलब आज ही अगर आपने चैप्टर कर लिया तो समझ जाना आपके पॉकेट में 8 मार्क्स आने वाले हैं। एकदम बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, इसमें मैं आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, और आज के लेक्चर से इतना तो आइडिया मिल जाएगा कि हाँ बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा मैं आपको परेशान इन द सेंस आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा लॉजिक चैप्टर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है, मैं आपको हर एक एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, 1.2 में क्या है, 1.3 में क्या है, 1.4 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ ही साथ इन सारे एक्सरसाइज से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, सो 10 साल के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। राइट हम लोग बेसिक्स भी करेंगे, एडवांस भी करेंगे, सब करेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको पढ़ाते चला जाऊं और ऐसा हो कि मैंने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं। सर आपने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं, हम कैसे करें, हमको तो पता ही नहीं कैसे करना होता है। नो बच्चों, मैं आपको सब बताऊंगा, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बस लास्ट तक आप सभी लोग हमसे जुड़े रहना और मजेदार तरीके से इसको आज पढ़ाई करना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो फटाफट करेंगे, सब लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल स्टेटमेंट की। सबको पता है, जल्दी बोलो लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है, फटाफट आपके साथ चलेंगे। तो लॉजिकल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी वैल्यू या तो होगी ट्रू या तो होगी फॉल्स, बट दोनों नहीं हो सकती। सर राम, अगर राम बोल रहा हूं सॉरी, मैं बोलूं कि महेश इज अ बॉय, कोई बोलता है ट्रू कोई बोलता है फॉल्स, अरे पगले एक ही चीज होता है तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, दोनों कैसे हो सकता है, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो महेश इज अ बॉय, अब भाई जो जानता रहेगा बोलेगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स, समझ गए हाँ, लेकिन दोनों सर दोनों तो नहीं होगा। तो लॉजिकल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब इसके अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरे को लॉजिकल स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, मैं मेरे में ही खुश हूं। कौन से लोग हैं? पहला है क्वेश्चंस, बच्चों पहला क्या है आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यस, क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देख लो सभी लोग एकदम 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 फटाफट करेंगे इंट्रोगेटिव। उसके बाद सेकेंड आपका आता है ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट,
उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। बोलो क्या बोलते हैं दोस्तों? सर ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हो? अरे आना चाहिए रे पगले, आना चाहिए, आना चाहिए। समझा क्या? यस। सो क्वेश्चंस मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट मतलब इंपरेटिव। थर्ड वन एक्सक्लेमेटरी। यस एक्सक्लेमेटरी, जैसे मैंने बोल दिया कोई सुंदर कन्या सामने से गुजरी और हमने बोला व्हाट अ गर्ल शी इज, व्हाट अ गर्ल शी इज। बच्चों ये कौन सा सेंटेंस है? सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो सामने वाला जो पुरुष है वो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा है, अपनी भावनाओं को बता रहा है, ना कि ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है। समझ गए? तो जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका नो डाउट लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होता। चौथा आता है आपका ओपन सेंटेंस। बोलो क्या बच्चों? ओपन सेंटेंस। अब सर ये क्या होता है? जैसे मैं बोलूं इट इज रेड इन कलर, अच्छा मैंने स्पेसिफाई नहीं किया रेड इन कलर, मैं बोलूं कि दिस क्लॉथ इज रेड इन कलर, सर क्या झूठ बोलते हो? सर ये तो ब्लू दिख रहा है, अपने को रेड कैसा मालूम पड़ा? हाँ क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस हो गया क्या? अरे बता रहा हूं भाई, तू बता सही है गलत, बता इट इज रेड इन कलर। तो बोलोगे नो सर फॉल्स, इट इज नॉट रेड इन कलर। ओके चलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, सो ये ऐसे लोग हैं जो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते, चाहे क्वेश्चंस ले ले, चाहे ऑर्डर रिक्वेस्ट ले ले, एक्सक्लेमेटरी ले ले, या ओपन सेंटेंस है। समझ गए? ही इज अ गुड पर्सन। कौन है गुड पर्सन? कुछ नहीं पता, ओपन सेंटेंस। इट इज ब्लैक इन कलर, अब क्या ब्लैक इन कलर? नहीं पता। तो जहां पे चीजें स्पेसिफाइड नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। यस एक नंबर, चलो बहुत बढ़िया। So, इतना होने के बाद आप सभी को पता है कि लॉजिकल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो लॉजिकल स्टेटमेंट को हम लोग हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बच्चों एटॉमिक। बोलो पहला क्या होता है? एटॉमिक। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। सर एटॉमिक का मतलब सिंगल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? सिंगल स्टेटमेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? एटॉमिक स्टेटमेंट। लेकिन 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 अगर एक से ज्यादा हो जाए, जैसे जैसे मुंबई, आमची मुंबई इन महाराष्ट्र एंड आमची मुंबई इन महाराष्ट्र एंड पुणे इज इन यूएसए। अरे पता है नहीं है, बस इस स्टेटमेंट बोल रहा हूं। सो आमची मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड पुणे इज इन यूएसए। तो यहां पे दो स्टेटमेंट है बेटा। पहला स्टेटमेंट कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, सेकंड स्टेटमेंट पुणे इज इन यूएसए। बराबर, दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक बंदे को मैंने यूज किया जिसका नाम है एंड। देखा आपने? तो जब कभी भी दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट साथ में आ जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? लॉजिकल स्टेटमेंट। यस सॉरी कंपाउंड स्टेटमेंट, नॉट लॉजिकल। अब वो नंबर कौन लोग कौन एंड हो सकता है बच्चों? और हो सकता है, इफ देन हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ हो सकता है, नॉट। याद रखना एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ, ध्यान सुनो, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉजिकल कनेक्टिव्स। यस देखा आप सभी ने, एकदम एकदम बढ़िया, एकदम फास्ट हुआ, बहुत बढ़िया। एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ना फिर देखो मैं रुकूंगा नहीं, एकदम एकदम स्पीड चलूंगा। चलो ये हो गया सबको। अच्छा एक बात और सुन लेते हैं, एक बात और। नॉट क्या बोलता है बेटा? नॉट को बोलते हैं निगेशन। नॉट को क्या बोलते हैं? निगेशन। अभी आज का लेक्चर देखा, लॉजिक पूरा दिमाग में घुस जाएगा, दिमाग की नसों में, सोविन सर के स्टाइल में दिमाग की नसों में घुसने वाला है ये आपका लॉजिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल लॉजिक। क्या बोलते सोविन सर? सही बात है ना? दिनेश सर आएंगे बेटा, नियति बेटा दिनेश सर आएंगे, सही, टेंशन ना लो, दिनेश सर आएंगे, ठीक है, ऑन द वे है, कोई तो फ्लाइट पकड़े आ रहे सर। चलो सो एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो आंसर तभी ट्रू होता है, बस जितना बोलता हूं उतना समझ लो। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, पहला भी स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू, तो ही आपका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आराम से कहीं जाना नहीं सब लोग। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। सर अदरवाइज, अरे अदरवाइज मतलब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर फॉल्स आएगा। तो ट्रू कब आएगा? सिर्फ जब दोनों ट्रू रहेंगे तो।
चलो और बोलता है मेरे को ना टेंशन नहीं देने का, तुम लोग एक भी ट्रू दिखा तो मैं आंसर ट्रू देगा, ऐसा बोलता है। और क्या बोला बेटा, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। If then बोलता है ना कि पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स होना चाहिए तो आंसर फॉल्स होता है। ध्यान से सुनना, पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स होना चाहिए तो ही आंसर फॉल्स आता है। तो ट्रू इंप्लाइज दैट फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स आएगा। मतलब इफ देन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही केस है जिसके अंदर आंसर फॉल्स आता है, बाकी हर केस में आंसर ट्रू ही आएगा। इसके बाद आने वाला है इफ एंड ओनली इफ। सर इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट सेम हो। बच्चों ध्यान देना सभी लोग, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम मतलब या तो दोनों ट्रू हो या तो दोनों फॉल्स हो। TTFF सेम सेम ट्रू, ऐसा सेम सेम ट्रू। आई होप कि सबको याद समझ आ गया होगा, वेरी गुड। अब डायरेक्टली हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर जो पहला एक्सरसाइज है उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। चलो सबका ध्यान यहां पर, बच्चों जरा ध्यान देना, सिंबॉलिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं। सॉल्यूशन देखो सभी लोग फटाफट, मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले ही से कि ये 8 मार्क का चैप्टर है, इसलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन को मुझे कवर करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ सो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। यहां पे पहला कौन है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। किधर हो नागपुर वालों, जल्दी बोलो, महाराष्ट्र में ही हो ना। अरे सर महाराष्ट्र में ही है। तो इसको कैसा लिखने का, लेट स्टेटमेंट लिखते समय ध्यान देने का अपने को स्मॉल लेटर ही यूज करने का है। सर ये तो बड़ा सिंपल है। अरे रुकना बड़ा धीरे धीरे आएगा, चैप्टर इजी है, 8 मार्क कहीं जाना नहीं चाहिए, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना, भले इजी हो पढ़ना तो पड़ता है अपने को। ओके जो आज गया सो समझ लो उसके 8 मार्क्स भी गए। सो लेट पी क्या बच्चों, देखो फटाफट, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। क्या बात है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। लेट क्यू, ओए चेन्नई वालों किधर गए तुम लोग, ये साउथ वाले भी आ गए, इज इन तमिलनाडु। क्या बात है, कितने लोग को साउथ की मूवी पसंद है पता है ना। Yes, एकदम फिजिक्स की वाट लगा देते हैं लोग किधर भी किसको भी उड़ाते हैं, ऐसा हो गया। कोई नहीं, it is for only entertainment, पर बहुत मजा आता है साउथ की मूवी देखने में। सो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये पहला स्टेटमेंट, इसका हम लोग लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म। देखो कितना फटाफट रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूं बोर्ड एग्जाम में भी वैसा ही लिखो। सो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, सर पी है। अभी ये क्या है बच्चो, एंड ये क्या है बोलो, एंड। सो एंड को हम लोग किससे दिखाते हैं, ये वाले सिंबल से, याद है ना, एंड का सिंबल हो गया, और का सिंबल हो गया, इफ देन का, इफ एंड ओनली का, सबको सिंबल पता है। तो बच्चे किसका सिंबल है, एंड का। उसके बाद चेन्नई इज इन तमिलनाडु जो कि है क्यू। देखा सिंबॉलिक फॉर्म कितना आसान लगा है कि नहीं। सो पी एंड क्यू, बच्चों क्या मिल गया, पी एंड क्यू। फटाफट एकदम करते हैं। ओके टेंशन मत लो बेटा, आप लोग सब देखोगे सब समझेगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके मैं आपको जो भी सिखाऊंगा इसकी गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप ध्यान से देखोगे सब कुछ समझेगा। समझे, थोड़ा तो हमें भी एक्सपीरियंस है मुन्ना। ओके आ जाओ। ओके सो क्या बोला बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेम। पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो आप, the angle is right angle, तो P क्या लोगे बच्चों, the angle is right। देखो एकदम basic से advance मैं कैसे लेके जाऊंगा, level कैसे बढ़ेगा, बस इंतजार करना, क्योंकि जो लोग last में निकल जाएंगे समझ जाना मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि last में ही तो सारा का सारा मजा आने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े 4 मार्क के क्वेश्चन last में आएंगे। रहो आ जाओ। Let Q, it is of measure 90 degree, लिख दो, it is of measure 90 degree। तो बच्चों इसका symbolic form क्या हो जाएगा, सर हमें तो पता है कि पहला statement P है और उसके बाद if and only if लिखा है। बच्चों if and only if का sign कैसा होता है, देखो double implies,
if then का single implies and if and only if का होता है double implies. तो ये हो जाएगा आपका double implies. फिर क्या लिखा है सर? It is measure of 90 degree जो कि Q है. ओए समझ में आया क्या? Yes. मेरे से पहले बच्चों ने चैट बॉक्स में आग लगा दी है. Yes. देखो सभी लोग ने एकदम एकदम बढ़िया. देखो क्वेश्चन आ गए भाई. क्वेश्चन सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लो. हाँ बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्लस बोर्ड एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन लूंगा मैं. चलो आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट एक नंबर. चलो दूसरा अगला सर ये तो मैं डायरेक्ट करने वाला है सर. देखो बच्चों सबका ध्यान यहां पर. इफ डी ये ट्राइंगल आई थिंक हाँ ये ट्राइंगल का सिंबॉल है. इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी इसको हमने ले लिया P, ओके देन मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री इसको हम ले लिया Q. यहां पे P क्या है बच्चों? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट B. इधर राइटिंग में ध्यान नहीं देने का तुम लोग. राइटिंग में कोई ध्यान नहीं देगा. ओके लेट Q मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. बोलो SF मतलब सिंबॉलिक फॉर्म क्या आने वाला है? इफ देन. बच्चा याद रखना जैसे इफ देन आता है इंप्लाइज का फॉर्मूला. पहला स्टेटमेंट P तो P, देन के बाद Q तो Q. ये चीज याद रखना. कभी कभी बच्चों ना एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए लोग ना क्यू को पहले देते हैं इफ बाद में लिखते हैं. तो गलती से ऐसा मत करना जो पहले है उसको पी लट करके दूसरा है क्यू लट करने का. फर्क नहीं पड़ता किसको क्या लट करते हो. फर्क यह पड़ता है कि इंप्लाइज में कौन पहले आता है कौन बाद में. तो हमेशा रखना इफ के बाद जो भी आएगा वो हमेशा पहले लिखा जाता है और देन के बाद जो भी आएगा वो हमेशा बाद में लिखा जाता है. यस ओके. अगर आपने इतना देख लिया जरा देखो सब लोग बच्चों ट्रुथ वैल्यू वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं. ट्रुथ वैल्यू वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए ध्यान से देखो कि आपको कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट दे देंगे जैसे कि आपको सामने से यहां पे दिखाई दे ही रहा है. क्या लिखा है बच्चों इसके अंदर? क्वेश्चन रीड करो सब लोग कि राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. अगर सिंगल स्टेटमेंट होता है तो आंसर फट से आ जाता है. जैसे मैं बोलूंगा मुंबई इज इन महाराष्ट्र सर ट्रू 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 ऐसा बोलोगे. मुंबई इज इन अमेरिका सर फॉल्स 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 फॉल्स. मतलब सिंगल में तो आराम से आंसर दे सकते हो लेकिन जब ऐसा कंपाउंड आता है मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं तब आप आराम से आंसर नहीं दे सकते. उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा. जिनको नहीं पता देखो कैसे करना होता है बिकॉज जब आपके 80 में से 80 आएंगे ना तो ये सब चीजों पे मार्क्स कट सकते हैं. जी हाँ आ जाओ. तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो लेट पी 4 इज ऑड लेट क्यू 1 इज प्राइम. देखा आपने इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्योंकि हमें तो ट्रुथ वैल्यू निकालनी है सर. हाँ लिखना सिंबॉलिक फॉर्म ज्यादा शाणा मत बन. चल तो 4 इज ऑड ये पी है बेटा और है और मतलब और 1 इज प्राइम वो है आपका क्यू. देखा आपने अब इसकी लिखनी है ट्रुथ वैल्यू. क्या लिखनी है दोस्तों? ट्रुथ वैल्यू. अब ये ट्रुथ वैल्यू कैसे लिखते हैं जरा ध्यान देना सभी लोग. ओके हाँ बेटा 2 घंटे में पूरा पढ़ा दूंगा एकदम बढ़िया तरीके से. चलो ए जल्दी बोलो 4 इज ऑड नंबर. जल्दी बोलो जल्दी बोलो. देखो कौन आंसर देता है. इट ट्रू है कि फॉल्स? 4 इज ऑड नंबर. 4 इज ऑड नंबर. 4 इज ऑड नंबर. देखते हैं कौन बोलता है. देखते हैं कौन बोलता है. क्या 4 ऑड नंबर है? कहां गए मेरे अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या 4 ऑड नंबर है? सर ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे बोलते हैं ऑड नंबर. जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे बोलते हैं ऑड नंबर. सर 4 तो 2 से डिवाइड होता है. 4 तो इवन नंबर हो गया. ये तो ऑड बोल रहा है मतलब झूठ बोल रहा है मतलब फॉल्स बोल रहा है. देखा आपने अरे ये फॉल्स बोल रहा है और कॉपी किया. अब क्यों क्या है 1 इज प्राइम नंबर. माय डियर स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है 1 से नहीं. जिनको नहीं पता ध्यान से दिमाग में बैठा लो कि प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2. ये तो 1 है सर ये प्राइम नंबर नहीं है. तो 1 इज प्राइम नंबर ये फॉल्स बोल रहा है
और वाले क्या बोलते हैं, और क्या बोलता है कि एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, बिकॉज हमें इन दोनों का और निकालना है, फॉल्स और फॉल्स, बराबर बच्चों, हमें फॉल्स और फॉल्स करना है, तो और है ना बीच में, और क्या बोलता है, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू रहा तो आंसर ट्रू आएगा, सर कोई ट्रू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, फॉल्स, तो इसका मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स, आपको एज इट इज ऐसे ही करना है, ओके आपको एज इट इज बच्चों ऐसे ही करना है, यस फाइनल आंसर इज फॉल्स, ओके चलो चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आ जाओ मेरे प्यारे मुन्ना, कैसा क्वेश्चन है, मिल्क इज वाइट, क्या बोला है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट अब हमने राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों, पी, बोलो पी यहां पे क्या है, मिल्क इज वाइट, ओए जल्दी बोल, पनवेल निकलना है, मिल्क इज वाइट, एंड क्यू, स्काई, सूर्य कुमार यादव नहीं रे, स्काई इज ब्लू, आज दिन है पानी पानी, सॉन्ग सुना है ना वैसे ही, आज ब्लू है पानी पानी, दिन नहीं रे ब्लू है, सॉन्ग भी याद नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सॉन्ग से क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो याद है, सिंबॉलिक फॉर्म बच्चों क्या लिखा है, मिल्क इज वाइट मतलब पी, ओए ये तो इफ एंड ओनली वाला क्वेश्चन है, डबल इंप्लाइज बच्चों, डबल इंप्लाइज, देखा आप सभी ने, डबल इंप्लाइज आ गया, स्काई इज ब्लू हो गया क्यू, करेक्ट है, चलो अब इसका निकालेंगे ट्रूथ वैल्यू, क्या निकालेंगे दोस्तों ट्रूथ वैल्यू, सर ट्रूथ वैल्यू कैसे निकाले बताता हूं, चलो तुम लोग जरा आंसर देना शुरू करो, मुझे तो नहीं पता, यस क्या मिल्क इज वाइट, क्या मिल्क सफेद होता है, भाई किसी के घर पे काला दूध आता है क्या, जल्दी बोलो, नहीं नहीं सर मेरे घर पे तो सफेद दूध ही आता है, यस जल्दी यस, पहला एक कुछ लोग ट्रू बोल रहे हैं, हाँ ट्रू ही तो है, मिल्क इज वाइट ट्रू है बच्चों, मिल्क इज वाइट ये ट्रू होता है, दूध काला होता है क्या, नहीं, फिर डबल इंप्लाइज कॉपी किया, क्यों, क्या स्काई ब्लू है, यस, क्या स्काई ब्लू है बच्चों, यस, तो ये भी है ट्रू, तो देखा जाए तो हमारा पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो बोलो डबल इंप्लाइज क्या बोलता है मेरे दोस्तों, सर डबल इंप्लाइज बोलता है सेम सेम, मतलब चाहे टीटी हो चाहे एफएफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, योर आंसर इज ऑलवेज ट्रू, चाहे टीटी हो चाहे एफएफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, योर आंसर इज ऑलवेज ट्रू, तो सेम सेम ट्रू, समझ गए बच्चों, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या मिला दोस्तों, ट्रू, एक मिनट कुछ लिखता हूं, यस क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया बच्चों, बहुत आगे जाओगे आप लोग, सब लोग मेरे साथ में जो जो लोग आंसर दे रहे हैं, समझ जाना कि भाई उनके बाद में बोलना नहीं, मैंने बताया नहीं, 8 marks मैं आज आपके पक्के करके दूंगा, ये 8 marks मैं आज आपके पक्के करके दूंगा, मतलब जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे विथ ऑप्शन आप इस चैप्टर को सेलेक्ट करोगे ना, एक बार तो मेरी याद जरूर आएगी, जिनको नहीं पता मेरा नाम क्या है देख लेना कहीं तो लिखा रहेगा मेरा नाम, ठीक है, यस, सो एकदम बढ़िया है, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि देखो मैथ्स 1 आपका स्कोरिंग है, इसमें दिमाग कम लगाना पड़ता है, बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैथ्स 2 में दिमाग ऐसा इसमें लगाना ही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी दिमाग लगाना होता है, बट थोड़ा सा मैथ्स 2 से हल्का सा कम, बट मजेदार चैप्टर्स इसके अंदर, ओके अगला सवाल बच्चों, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, जी हाँ, जैसे कि मैंने अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, हाँ जुलाई 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स कर देंगे और बोलेंगे बताओ इसका फाइनल आंसर क्या है, बस तो आ जाओ देख लेंगे, यस एक मिनट ये क्या हो रहा है भाई, तो बच्चों इसके अंदर क्या लिखा है क्वेश्चन ध्यान से देखो, सबका ध्यान यहां पर, सॉल्यूशन If the statement P and Q are true, बच्चों P Q की वैल्यू यहां पे क्या है true, मतलब P Q true बोला है, and R S are false, बच्चों R S की वैल्यू क्या है false,
फॉल्स। देखो बोर्ड एग्जाम में ना बहुत सिंपल क्वेश्चन देते हैं, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। आरएस की वैल्यू क्या है बेटा, फॉल्स। देन डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, पी इंप्लाइज दैट क्यू और आर इंप्लाइज दैट एस। चलो वैल्यू पुट करते हैं, बच्चा पी और क्यू तो ट्रू दिया है तो लिख दो ट्रू इंप्लाइज दैट ट्रू, और बेटा आर इंप्लाइज दैट एस, बोलो आर और एस की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो दोनों क्या है बोलो, फॉल्स। जरा देखना सब लोग एकदम ध्यान से देखना, याद रखना जब भी इंप्लाइज आता है ना अपने दिमाग में एक ही बात आता है बच्चों, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ही फॉल्स आता है। इंप्लाइज क्या बोलता है, टीएफ है तो मैं फॉल्स दूंगा अदरवाइज ट्रू। क्या बच्चे टीएफ है, नहीं है, क्या ये फॉल्स देगा, नहीं देगा, तो क्या देगा सर, ट्रू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब कभी भी ट्रू इंप्लाइज दैट फॉल्स आएगा तो ही आंसर बच्चों फॉल्स आता है। फॉल्स सिर्फ और सिर्फ इसी केस में आएगा और किसी केस में नहीं, मतलब कुछ भी होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही ओवरऑल आंसर क्या आता है, फॉल्स। तो बच्चों पहला तो ट्रू है बट दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, मतलब टीएफ मैच नहीं हुआ। अगर टीएफ मैच नहीं हुआ है तो फॉल्स भी नहीं है, तो बचा क्या ट्रू। बीच में और कॉपी किया बेटा, ये भी आपका टीएफ नहीं है तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। और फाइनली और में क्या होता है, एक भी ट्रू आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। यस, सो फाइनली दिस इज इक्वल टू ट्रू। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी फटाफट सेशन को लाइक करो यार। ये तो गलत बात है, सेशन को लाइक नहीं करते, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतना देखो मुझे मालूम है सारे बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं बिकॉज उनको 8 मार्क्स की यस टेंशन है कि अपने को 8 मार्क्स पक्के करने हैं। भाई बूंद बूंद से सागर भरता है, 8 मार्क्स इधर, 10 मार्क उधर, 5 मार्क उधर, 4 मार्क इधर, ऐसे ऐसे करके अपने को कम से कम 80 मार्क तो लाने हैं सर। क्या बात है, क्या बात है, देखा आपने कैसे हुआ, जुलाई 2020 में 1 मार्क के लिए पूछा था जब जब कोविड चल रहा था, याद है बेचारे कोरोना वाले बच्चों ने कैसे किया होगा, सोचो जरा 1 मार्क के लिए कितना टेंशन लिया होगा। थोड़े और भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो P implies that Q and negation R, तो बोलो P की वैल्यू सर PQ है ट्रू, P is true, Q की वैल्यू ट्रू, वाओ, एंड negation of R, सर RS false है तो R की वैल्यू हमने ली दी फॉल्स, चलेगा बच्चों। तो P ट्रू है, Q ट्रू है और ये हमने फॉल्स लिख दिया। सबका ध्यान यहां पर, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि implies में अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, implies में अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर क्या होगा सर, फॉल्स। बट यहां पे टीएफ तो है नहीं तो फाइनली आंसर इज ट्रू। बच्चों फाइनली आंसर इज ट्रू एंड कॉपी किया, ओए निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है सर, ट्रू होता है। फॉल्स का निगेशन क्या होता है बच्चों, ट्रू। सो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, एंड। एंड बोलता है कि दोनों ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू बोलूंगा। क्या एंड के केस में दोनों ट्रू है, यस सर एंड है और दोनों ट्रू है तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। देखा बच्चों आपने, तो इसका आंसर क्या मिल गया, ट्रू। चलो भाई कहां गए सब लोग, फटाफट फटाफट फटाफट, चलो फटाफट, एक नंबर एक नंबर। देखो सब लोग ट्रू बोल रहे हैं, फॉल्स क्यों बोल रहे हैं भाई, ये निगेशन आर की वैल्यू फॉल्स है बेटा, देख आर एस आर फॉल्स, तो हमने R के प्लेस पे फॉल्स रखा, निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू, और ये तो हमारा ट्रू आया, ट्रू एंड ट्रू आंसर इज ट्रू। परफेक्ट परफेक्ट सर, मैं वरदान बुक ऑर्डर के लिया है साथ बेटा, जो भी डाउट रहेगा प्लीज आप सभी लोग वरदान बुक से रिलेटेड आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, टेंशन मत लो, ठीक है, आपको हमारी टीम एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेगी, आपके सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगी, हमारी टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम है गाइस। यस, सारे बच्चों को एकदम केयर किया। देखो मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं कि इस महाराष्ट्र में जो हमारी टीम है और हम सब हैं, आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट देते हैं, किसी से कंपैरिजन ही नहीं यार, और क्या। चलो आ जाओ, सो ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते, थोड़ा सा ट्रिकी, ट्रिकी इन द सेंस लेंथी, क्योंकि आप लोग सोच सर क्या इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हो, क्या आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, देख जरा, देख देख देख, ये देखो बच्चों, निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन आर, और क्यू इंप्लाइज दैट पी इंप्लाइज दैट निगेशन एस और आर। चलो
negation P and Q and negation R or Q implies that P implies that negation S or R. अब हम क्या करेंगे? Yes, हवन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, value put करेंगे. चलो फटाफट वैल्यू बहुत ध्यान से पुट करना बच्चों. याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में ना गलती होती है वैल्यू पुट करने पे, और हमको लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन है और गलत करके चले आते हैं. तो निगेशन पी, पी की वैल्यू यहां पे नहीं रखना है ट्रू, बिकॉज पी क्यू ट्रू है एंड क्यू के प्लेस पे भी ट्रू. चलो हो गया इतना. एंड निगेशन आर के प्लेस पे फॉल्स. देखा बच्चों आपने, फिर और कॉपी किया. क्यू के प्लेस पे ट्रू इंप्लाइज दैट, पी के प्लेस पे ट्रू इंप्लाइज दैट, निगेशन एस, एस के प्लेस पे फॉल्स और आर के प्लेस पे फॉल्स. देखा आपने, तो जहां जहां पे पी और क्यू था हमने पुट किया ट्रू, और जहां पे भी आर या एस था हमने पुट कर दिया फॉल्स. फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्या बात है. ओके, निगेशन ट्रू क्या होता है सर? ट्रू का निगेशन किया तो फॉल्स आएगा, फॉल्स का निगेशन किया ट्रू आएगा. ये इधर क्या है बोल, एंड जल्दी जल्दी बोल फटाफट. एंड के बाद क्या है बेटा? ट्रू. तो लिख दे ट्रू. एक एक करके सॉल्व करते हैं, एक एक करके अपन पहले निगेशन को हैंडल करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को हैंडल करेंगे. अभी निगेशन फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू कॉपी किया, और ट्रू इंप्लाइज दैट, ट्रू हमने कॉपी किया इंप्लाइज दैट. अच्छा लोग, निगेशन फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू और फॉल्स. अभी थोड़ा पाइए ना. ओके, so true implies that, true implies that, negation of false क्या बोले? true or false. ये हमने कर दिया इतना, अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. भाई क्या बात है, क्या बात है यार. मन कर रहा है कि आप सभी लोग से फटफट से मिल लूं. इतने प्यारे मेरे बच्चे हैं ना, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं. एक जला ये बताओ सब लोग, एंड है और एंड क्या बोलता है? अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा. एंड क्या बोलता है दोस्तों? दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा. क्या दोनों ट्रू है? नहीं, तो आंसर आएगा फॉल्स. चलेगा? फिर यहाँ पे एंड है, फिर मैंने ट्रू कॉपी किया. देखो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करो, और बोलो इंप्लाइज आ गया. इंप्लाइज का नियम कानून क्या बोलता है? कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब टीएफ. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब टीएफ. बच्चों टीएफ आया तो आंसर आएगा फॉल्स, टीएफ आया तो आंसर आएगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. तो ये टीएफ है क्या? नहीं है बच्चे. टीएफ है क्या? नहीं है ना. तो क्या फॉल्स आएगा? नहीं. अरे ये क्या हो गया? तो ये टीएफ है क्या? नहीं है. तो फॉल्स नहीं आएगा. तो क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू इंप्लाइज दैट. बच्चों और टीवीएफ, टीवीएफ और तो और में क्या होता है? एक भी ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू. वाओ कितना सिंपल है यार. एंड आ गया फिर से. एंड बोलता है कि दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा. सर दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स. और फिर टी इंप्लाइज दैट ट्रू क्या बोलता है बेटा? अगर टी एफ है तो एफ आएगा, अदरवाइज ट्रू. सर टी एफ है क्या? नहीं, तो आंसर आएगा ट्रू. अब आ गया इन दोनों का और, फाइनली इट इज इक्वल टू ट्रू. देखा, जानबूझ के मैंने आपको हल्का सा लेंदी दिया. ए, समझा क्या? फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो फटाफट. चो यस यस बेटा, जल्दी जल्दी. टी इज द फाइनल आंसर. यस, टी इज द फाइनल आंसर. ट्रू इज द फाइनल आंसर मेरे प्यारे बच्चों. ट्रू इज द फाइनल आंसर. आंसर आंसर, क्या बात है. ट्रू हमारा फाइनल आंसर है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. यस, फटाफट आ जाओ आगे बढ़े क्या? यस यस यस, एकदम बेटा फास्ट तो ले रहा. अब क्या बुलेट ट्रेन पे चढ़ जाऊं, वहां से पढ़ाऊं? तू क्या चाहता है? हाँ, तू चाहता है कि बुलेट ट्रेन पे खड़ा हो जाओ और वहां से पढ़ाओ? ले बेटा देख इतना फास्ट चल रहा है. मुझे लगता है रजनीकांत बनना पड़ेगा. यस ओके, देखो हमने कर दिया, हमने कर दिया. अब आएगा अगला बोलते हैं क्वेश्चन, जो कि और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों. मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में चांसेस हैं 90% कि एक ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन पूछ दे. बच्चों किसके चांसेस हैं? ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन. सर ट्रुथ टेबल मतलब? अरे ट्रुथ टेबल मतलब ट्रुथ टेबल ही होता है. आपको ट्रुथ टेबल बनाने बोलेगा तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं, जब कभी भी आपको ट्रुथ टेबल बनाना है तो आपको तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे. या तो आपको बोलेगा ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, जिसके अंदर आपको ट्रुथ टेबल बनाना ही है. दूसरा,
आपको बोलेगा इक्विवेलेंस चेक करने के लिए, मतलब क्या दोनों स्टेटमेंट इक्वल है। इक्विवेलेंस चेक करने के लिए मतलब बच्चों क्या दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। तीसरा चेक करने बोलेगा कि क्या आपका स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है, एग्जाम में कई बार पूछा है। क्या आपका स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या आपका स्टेटमेंट कंटिंजेंसी है। यस, तो आप सभी को पता है टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है, सर ऑलवेज ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन ऑलवेज फॉल्स, कंटिंजेंसी मिक्स्ड होगा। मिक्स मतलब ट्रू और फॉल्स मिक्स होकर के आएंगे। सो ध्यान देना, ट्रूथ टेबल, इक्विवेलेंस, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी, तीनों में आपको एक ही काम करना है, टेबल बनाना है। सर क्या करना है बेटा, टेबल। क्या बनाना है सर, टेबल बनाना है। अगर आपको ट्रूथ टेबल आता है तो कोई भी बंदा आपसे तीन मार्क छीन नहीं सकता, आपसे कोई भी बंदा तीन मार्क छीन नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा वो तीन मार्क के लिए ही पूछता है। फिक्स से बच्चों, सर एक मार्क के लिए पूछेगा, नो। सर दो मार्क के लिए पूछेगा, नो। तीन मार्क के लिए पूछेगा, यस। चार मार्क के लिए पूछेगा तो भी नो। तीन मार्क का क्वेश्चन एकदम फिक्स बैठता है बेटा। तो अगर आपको टेबल आता है तो बस समझो तीन मार्क्स फिक्स है। अब जैसा कि यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है सबका ध्यान यहां पर। ओके, सॉल्यूशन कि यूजिंग ट्रूथ टेबल, ओके, प्रूव दैट द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, मतलब इसे हमें प्रूफ करना है। क्या करना है बच्चों, प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए बोला है टेबल का यूज करना है। सर टेबल टेबल टेबल, क्योंकि यहां पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल एंड यूजिंग ट्रूथ टेबल। अगर उसने बोला है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल तो आगे आएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारे मैं लॉ सिखाने वाला, उस लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बट यहां पे बोला यूजिंग ट्रूथ टेबल तो टेबल का यूज करना है। अब इसके अंदर कितने स्टेटमेंट है बेटा, दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू। तो पहले आप टेबल बनाओ फटाफट, सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट। यस, चलो पहले क्या लिखोगे बच्चों, पी, फिर क्या लिखोगे, क्यू। देखा आपने, पहले पी लिख दिया फिर आपने क्यू लिख दिया। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए जरा ध्यान देना, P implies that Q पहले निकाल लो, सॉरी डबल implies that Q निकाल लो। सर निकाल लिया आपने, उसके बाद इसका पूरे का निगेशन निकाल दो। तो निगेशन ऑफ P डबल implies that Q, देखा आप सभी ने, तो पहले P आ गया फिर Q आ गया फिर P डबल implies that Q आ गया, इस पूरे का निगेशन आ गया। अब आएंगे हम राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में निगेशन Q निगेशन P पहले से है, तो हमको बच्चों पहले से निगेशन P निगेशन Q निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकाल रहे हैं, निकल गया ना। अब पी एंड निगेशन क्यों निकालते हैं, पी एंड बिकॉज हमारे पास निगेशन क्यू आ चुका है और पी तो यहां पे पहले से दिया गया है, तो दोनों का एंड कर सकते हैं। तो पी एंड निगेशन क्यू आ गया, फिर क्यू एंड निगेशन पी। सर क्यू है क्या, चेक करते हैं, हाँ इधर है। फिर निगेशन पी इधर है बच्चा लोग, क्यू एंड निगेशन पी भी निकाल लिया। अब हमारे पास P एंड निगेशन Q है, Q एंड निगेशन P है, तो अब एक काम करो दोनों का और कर दो बच्चों, दोनों का और कर दो, और तो हो जाएगा P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। देखा आप सभी ने, ए समझा क्या, यस। तो ये टेबल बन गया, अब क्या करने का है। सर दो स्टेटमेंट है तो आपको पता है दो बार ट्रू लिखने का, फिर दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। ध्यान से देखो, एकदम देखने का अच्छे से, बिकॉज ये पूरा सब देखने वाला ही काम है। डबल इंप्लाइज क्या होता है बेटा, सेम सेम, किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में। तो पी और क्यू के बीच में जहां पे भी सेम सेम होगा हम ट्रू लिख देंगे। क्या दोनों सेम सेम है, यस, तो ट्रू। क्या एफ एफ सेम सेम है, तो ट्रू। तो टी एफ और एफ टी दोनों डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। देखा आपने, तो TT के केस में ट्रू आएगा और FF के केस में भी ट्रू आएगा, बट TF और FT दोनों डिफरेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब इस पूरे का लगा देते हैं निगेशन, तो निगेशन क्या करता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। देखा आपने, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया, बहुत इजी चैप्टर, यस।
बच्चों आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दिया, अब निगेशन पी निकालते हैं, तो निगेशन पी कैसा आएगा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, निगेशन क्यों मतलब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, देखा आपने एकदम बढ़िया तरीके से, सो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, करेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, पी एंड निगेशन क्यों करना है, तो निगेशन क्यू यहां पर है और पी यहां पर है, उन दोनों का एंड निकालना है। तो एंड क्या बोलता है बेटा, दोनों ट्रू है तो ट्रू, देखो यहां पर, यहां पे देखो सब लोग, पी एंड निगेशन क्यू, क्या दोनों ट्रू है, नो, क्या दोनों ट्रू है, यस, तो आंसर ट्रू है, ट्रू, देखो ना ये पहला है और ये दूसरा है, क्या बच्चों दोनों ट्रू है क्या, देखो ध्यान से, नहीं है ना, तो आंसर ट्रू नहीं आएगा। क्या यहां पे दोनों ट्रू है, यस, तो आंसर ट्रू आएगा। क्या यहां पे दोनों ट्रू है, नो, क्या यहां पे दोनों ट्रू है, नो, देखा आपने, सिर्फ इसके और इसके केस में आंसर ट्रू आएगा बिकॉज दोनों ट्रू था, बाकी केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर क्या करना है हमें, क्यू एंड निगेशन पी, तो बच्चों क्यू यहां पर ये है और निगेशन पी यहां पर है, तो दोनों में फिर से एंड करना है, तो एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, क्या दोनों ट्रू है, नो, क्या दोनों ट्रू है, नो, क्या दोनों ट्रू है, यस 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 सर है दोनों ट्रू, देखो यहां पर आंसर हो जाएगा ट्रू, क्या दोनों ट्रू है, नो, तो आंसर आएगा फॉल्स। तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले केस में आंसर आया ट्रू, बाकी केस में क्या हो गया, फॉल्स। अब मुझे इन दोनों का क्या करना है बेटा, और निकालना है, और क्या बोलता है, सर एक भी ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा, क्या एक भी ट्रू है, नहीं, क्या एक भी ट्रू है, यस, तो आंसर ट्रू, इन दोनों में एक भी ट्रू है क्या, यस, तो आंसर ट्रू, इन दोनों में एक भी ट्रू है क्या, नहीं, तो अगर एक भी ट्रू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, आंसर फॉल्स। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है, उसको मैं पेंसिल से ऐसा हाईलाइट कर दूंगा, राइट हैंड साइड लास्ट वाला है उसको भी ऐसे पेंसिल से हाईलाइट कर दूंगा। अब बताओ क्या दोनों सेम है, ओए जल्दी बोलो फटाफट, क्या दोनों सेम है मेरे प्यारे बच्चों, एफ टी टी एफ, एफ टी टी एफ, सर सेम है। तो आप उसके बाद ऐसा कुछ लिखो क्या कि फ्रॉम अब, ये क्या है बच्चा, ट्रुथ टेबल, सो फ्रॉम अबो ट्रुथ टेबल कॉलम्स, कॉलम्स, कौन सा कॉलम, निगेशन P double implies that Q and P and negation Q or Q and negation P, देखा बच्चों आपने, तो ये कॉलम और ये कॉलम की वैल्यू सेम है, तो आप लिखोगे R equivalent, R equivalent, therefore negation, जरा ध्यान देना, negation of P double implies that Q is equivalent to P and negation Q or Q and negation P. That's it. बच्चों इतना करना है, टेबल बनाना और ऐसा कुछ लिख देना, आंसर आ जाएगा। ये समझा क्या सबको, जल्दी जल्दी फटाफट बोल दो। यस, हम लोग ट्रू टेबल तक पहुंच गए बच्चों, अभी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, देखो देखो देखो, क्या बात है, क्या बात है सर, डाउट डाउट मुझे, अबे लॉजिक चैप्टर बेटा, जब तुझे इजी लग रहा है तो तू उसे उसमें क्यों छोड़ेगा, ऑप्शन में पढ़ के जा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, सर्किट वाले क्वेश्चन आएंगे, टाइम लो, थोड़ा टाइम लो बेटा, सर्किट वाले क्वेश्चन आएंगे, एक एक कर करेंगे, एक एक करके हमको सबको कवर करना है, एक एक कर करेंगे, जरूर बेटा, जरूर जरूर, फटाफट, यस बेटा, बहुत फास्ट ले रहा हूं मैं, बहुत फास्ट ले रहा हूं बेटा, कॉलम नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेन कॉलम में वैल्यू लिखना इंपॉर्टेंट है, कॉलम नंबर जरूरी नहीं इतना कुछ, ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल वाला एक क्वेश्चन जिसमें प्रूफ करने आला गया, या तो आपको सिर्फ टेबल बनाने बोलता तो कुछ भी बोले, तरीका तो यही है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, सबका ध्यान यहां पर, कि
examine whether each of the following statement pattern is tautology, contradiction, contingency. अपने को बताना है कि ये tautology है कि contradiction है कि contingency. तो ठीक है ना, टेबल तो बनाना ही पड़ेगा. सबसे पहले क्या लिखेंगे, P और Q दो ही स्टेटमेंट है. देखा आपने, अगर मुझे पूरी वैल्यू निकालनी है तो बच्चों ध्यान देना, पहले हमको निगेशन Q चाहिए तो निकाल लो निगेशन Q, उसके बाद P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q बराबर, ये पूरा आ गया. अब ये भी पूरा निकाल दो, P implies that Q, ये भी आ गया. अब इन दोनों का डबल implies कर दो, so P एंड निगेशन Q डबल implies that P implies that Q. देखा बच्चों आपने, सबसे पहले आपने क्या लिखा, पी क्यू फिर निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू कर दिया, पी इंप्लाइज दैट क्यू कर दिया, फिर दोनों का हमने क्या कर दिया बच्चों, डबल इंप्लाइज. क्या कर दिया बच्चों, डबल इंप्लाइज. चल 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 फटाफट फटाफट, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स. चल चल भाई ओके, आगे बढ़ते हैं. क्या बात है, ठीक है ठीक है. चलो अब निगेशन क्यों निकालना है बच्चों, निगेशन क्यों कैसा आएगा, ये ट्रू को फॉल्स करो, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स करो, फॉल्स को ट्रू. देखा आप सभी ने, प्लीज ध्यान देना, निगेशन क्यों कैसा आएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू बराबर. अभी हमें निकालना है पी एंड निगेशन क्यों. बच्चों पी यहां पर है और निगेशन क्यों यहां पर है. एंड क्या बोलता है, एंड है ना, एंड क्या बोलता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा. क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, नो. क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यस. क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, नो नो. तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा बच्चे आंसर देना शुरू कर दिया, सर कॉन्ट्राडिक्शन है सर, कॉन्ट्राडिक्शन. हाँ बेटा पेंसिल से बनाने का, ये जो लाइंस है ना वो पेंसिल से बनाने का, लिखने का पेन से. सभी लोग ध्यान से देखना, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, जो टेबल बनाया हुआ है, टेबल को मस्त पेंसिल से बनाने का, लिखते टाइम अपने को पेन यूज करने का. P implies that Q, तो P और Q का implies, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, यस यस, तो आंसर आएगा फॉल्स. तो सिर्फ तो यहां पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आंसर हो गया. पहला ट्रू ही नहीं तो आगे बढ़ी मत, पहला ट्रू है तो आगे बढ़ी मत, मतलब पहला ट्रू देखेंगे उसके बाद दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो यहां पे मैच तो हो गया इसलिए फॉल्स लिख दिया. बट यहां पे पहला ही ट्रू नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं है, यहां पे भी पहला ट्रू नहीं है, तो मतलब बाकी केस में आंसर क्या आएगा, ट्रू ट्रू. अब क्या करेंगे सर, इन दोनों का डबल इंप्लाइज करेंगे, और डबल इंप्लाइज क्या बोलता है, सेम सेम है तो ट्रू, सेम सेम नहीं, सेम सेम नहीं, सेम सेम नहीं, सेम सेम नहीं, तो ट्रू तो है ही नहीं, बचा क्या, फॉल्स. ओ तेरी, ये तो सारा फॉल्स आ गया. इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सेम कि फ्रॉम एबो ट्रूथ टेबल. क्या नाम है कॉलम का दोस्तों, कॉलम पी एंड निगेशन क्यू. Double implies that P implies that Q is always false. देखा बच्चों, हमेशा क्या है, false. अगर ये हमेशा false है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, contradiction. Therefore it is contradiction. एक नंबर, एक नंबर भाई, एक नंबर. So ये क्या हो गया बच्चों, contradiction. ये समझ में आएगा, जल्दी बोलो फटाफट. अभी तो आगे लेवल बढ़ने वाला है, कई लोग तो इतने में ही धराशाही हो जा रहे हैं भाई. अरे भाई आगे तो 3 मार्क 4 मार्क के क्वेश्चन भी मैं कवर करने वाला हूं. यस, क्या बात है, क्या बात है, फटाफट. चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया. सो आई होप कि सभी को ये पूरा समझ में आ गया होगा, टेबल कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. बच्चों देखो, एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है मैंने, क्योंकि इसके अंदर है 3 स्टेटमेंट. मेरे मुन्ना जरा ध्यान से सुनना कि इसके अंदर है कितने स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट. कितना बेटा, 3, एक है P, एक है Q और एक है R. इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया स्टार्ट. आ जाओ चलो फटाफट, हर चीज कवर करनी हम लोगों को भाई, 8 मार्क ऐसे ही नहीं मिलते.
इतने आसानी से आठ मार्क्स तो नहीं जाने देंगे बोर्ड वाले आपसे, बराबर। तो पहले क्या लिखेंगे? पी, फिर क्या लिखेंगे? क्यू, फिर क्या लिखेंगे? आर। आप सभी को पता है इसमें चार बार ऐसा ट्रू लिखने का और चार बार फॉल्स, पता है ना ये बात तो? हाँ, चलो आगे बढ़ते। फिर दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, देखा बच्चों? फिर एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, 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 देखा? तो पहले चार बार ट्रू, चार बार फॉल्स, दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, हो गया इतना? ओके बेटा, जो लोग भी बोल रहे सर्किट के क्वेश्चन लो, अरे भाई मुन्ना भाई सर्किट आएगा, थोड़ा सबर कर, सबर कर। अब देखो, अब मुझे पूरा इसका टेबल बनाना है। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे इस टेबल को देखना पड़ेगा। इस टेबल के अंदर क्या चाहिए? निगेशन क्यू। तो पहले हम निगेशन क्यू निकालते हैं, बिकॉज जब तक निगेशन क्यू नहीं होगा बच्चों, जब तक निगेशन क्यू नहीं होगा तब तक ये वैल्यू आने वाली है क्या? नहीं। तो हमने निगेशन क्यू निकाल दिया सर, अब हम क्या करेंगे? अरे भाई अब हम क्या करेंगे? निगेशन क्यू और आर करेंगे, बिकॉज जैसे ही निगेशन क्यू आया आर के साथ में और करो, हो गया। तो ये मुझे मिल गया। अब इसका और पी का इंप्लाइज इफ देन करते हैं। तो पी इंप्लाइज दैट निगेशन क्यू और आर। देखा आपने कितना सिंपल था, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। यस yes. अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें पहले क्या निकालोगे? क्यू इंप्लाइज दैट आर, बिकॉज ब्रैकेट पहले, ब्रैकेट पहले करना है। क्यू इंप्लाइज दैट आर, और जो भी आएगा पी इंप्लाइज दैट, क्यू इंप्लाइज दैट आर करना। देखा आप सभी ने? सो पहले हमने क्या कर दिया? क्यू इंप्लाइज दैट आर, करेक्ट, निकाल लिया। फिर पी इंप्लाइज दैट, क्यू इंप्लाइज दैट आर भी कर लिया। अब इस पूरे का क्या निकालना है बच्चों? निगेशन। सो निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज दैट क्यू इंप्लाइज दैट आर। वाओ, बहुत लेंथी है भाई। अब जरा ध्यान देना, P implies that negation Q और R किधर है? इधर है। इसको हमने बोल दिया A, चलेगा? ऐसा आप बोल सकते हो बच्चों। फिर negation of P implies that Q implies that R, इसको हमने बोल दिया B। बच्चों पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों का निकाल देते हैं डबल implies। बच्चों दोनों क्या निकालते हैं? डबल इंप्लाइज। तो क्या हो जाएगा? ए डबल इंप्लाइज दैट बी, बिकॉज अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास स्पेस कम है तो आप इनको ए बी सी डी ऐसे नाम दे सकते हो, या वन टू थ्री भी नाम दे सकते हो। चल ध्यान से देखना सब लोग फिर से एक बार। तो पहले हमने क्या निकाला? निगेशन क्यू, फिर निगेशन क्यू और आर आ गया, फिर जो भी आया उसका पी के साथ कर दिया आपने इंप्लाइज। तो पी इंप्लाइज दैट निगेशन क्यू और आर। अच्छा, मुझे फिर से बोला बच्चों ने कि भाई सर ये भी कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ लोग कॉन्ट्राडिक्शन बोले, कुछ लोग कंटिजेंसी। ठीक है, देखते हैं लास्ट में क्या आंसर आता है। फिर जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करने गया तो पहले मैंने क्या निकाला? क्यू इंप्लाइज दैट आर, फिर पी इंप्लाइज दैट, क्यू इंप्लाइज दैट आर, फिर पूरे का निगेशन, ये आ गया और ये आ गया, बराबर। जब दोनों की वैल्यू आ गई तो दोनों के बीच में क्या चाहिए? डबल इंप्लाइज। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो ए डबल इंप्लाइज दैट बी। चलो करते हैं फटाफट। ओके, सो निगेशन क्यू, क्यू का उल्टा ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। निगेशन क्यू और आर करना है, तो निगेशन क्यू यहां पे है, आर यहां पे, दोनों का और करना है बच्चों। और का मतलब क्या होता है? एक भी ट्रू है तो ट्रू। और का मतलब क्या होता है? एक भी ट्रू है, ट्रू। एक भी ट्रू है क्या? नहीं। एक भी ट्रू है क्या? यस। एक भी ट्रू है क्या? यस। एक भी ट्रू है क्या? देखो इसमें 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 ये फॉल्स इधर है, ठीक है। हाँ, एक भी ट्रू है क्या? ट्रू नहीं है। एक भी ट्रू है क्या? ट्रू। एक भी ट्रू है क्या? ट्रू। देखो सब लोग बच्चों, और क्या बोलता है कि अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होना चाहिए। देखो इन दोनों में एक भी ट्रू है, हाँ था, तो आंसर ट्रू लिख दिया। इन दोनों में एक भी ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स। इन दोनों में एक भी ट्रू है, यस, तो आंसर ट्रू। इन दोनों में है, यस। इन दोनों में है, यस। इन दोनों में तो नहीं है तो फॉल्स। इन दोनों में है तो यस। इन दोनों में भी है, देखा। तो जहां कहीं भी एक भी ट्रू आएगा तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ट्रू। अब क्या करना है हमको? पी इंप्लाइज दैट निगेशन क्यू और आर करना है। तो P यहां पर है और निगेशन Q और R यहां पर है, दोनों का इंप्लाइज करना है। इंप्लाइज मतलब TF, ढूंढ TF। बच्चों TF, 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 देख किधर है? पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स है क्या? नो नो नो।
पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स है क्या? यस यस यस, तो आंसर आएगा फॉल्स। देखा बच्चों आपने, एकदम आराम से करने का। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, कहां गया इसमें? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं था, पहला ट्रू है पर दूसरा फॉल्स नहीं है, तो फॉल्स हो गया। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, पहला ट्रू ही नहीं है, मतलब बाकी हर केस में आंसर क्या आएगा? ट्रू। देखा आप सभी ने, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस ही हमें टीएफ देते हैं जिसकी वजह से आंसर फॉल्स आता है, बाकी में ट्रू ट्रू भाई मतलब टीएफ का केस बन ही नहीं रहा है। ओके, एकदम आराम से करेंगे इसको फटाफट। क्यू इंप्लाइज दैट आर, देखो क्यू और आर का इंप्लाइज, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, यहां पे क्या हो जाएगा? फॉल्स, पहला ट्रू नहीं है, यहां देखो पहला ट्रू है पर दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स यहां पर है, तो यहां पे हो जाएगा फॉल्स, ट्रू नहीं है। देखो बच्चों, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, बस। और कहीं पर भी देखोगे आपको टीएफ नहीं मिलेगा, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स इसलिए मैंने फॉल्स लिख दिया, यहां पर भी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स इसलिए मैंने फॉल्स लिख दिया, बाकी हर केस में कहीं पर भी टीएफ नहीं मिल रहा है। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू और ये भी ट्रू। देखो ऐसा करते हैं, आई नो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिया, देखते हैं भाई बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो, कई लोग तो डिफिकल्ट क्वेश्चन देख करके कभी घबराना मत मेरे प्यारे बच्चों, एकदम एकदम जुड़े रहना क्योंकि आगे बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। अब P implies that, Q implies that, R, P यहां पर है और Q implies that यहां पर है, तो देखो सब लोग, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? यस, तो आंसर हो गया फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है नहीं, अब यहां पे कोई ट्रू ही नहीं है तो आगे फॉल्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? ट्रू 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 ट्रू। देखा जैसे कर रहा हूं वैसे ही। ओके, अब इस पूरे का निगेशन ले लो, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का, अब तो सब हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, अभी आपको ए और बी का डबल इंप्लाइज, तो यहां पे देखो क्या है? ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, मतलब सेम सेम, याद है ना बच्चों? अगर सेम सेम रहेगा तो आंसर क्या होता है? ट्रू। ये ट्रू है बट ये सेम सेम है क्या? नो, सेम सेम नो, टी एफ सेम सेम नहीं है, 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 तो कहीं पर भी सेम सेम नहीं है तो ट्रू नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉल्स। ओहो क्या बात है, जिन बच्चों ने आंसर दिया था, जी हां करेक्ट दिया था, यस मेरे प्यारे बच्चों, सो फाइनली 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 ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, सो देयरफॉर इट इज कंटिंजेंसी। यस, क्या बोलते हैं बच्चों लोग, क्या ये कंटिंजेंसी ही है? सॉरी कंटिंजेंसी बोला, सॉरी सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी कंटिंजेंसी आ गया मुंह से, जी हां ये बोलो क्या है बच्चों? कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देयरफॉर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। देख लो एग्जाम में मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, इतना लेंदी नहीं पूछता बट जानबूझ के मैंने करवाया सो दैट कि आप एटलीस्ट यूज टू हो जाओ। ओके परफेक्ट, समझा क्या सबको? यस मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी रिप्लाई करो। चलो ओके ओके अरे बेटा फास्ट तो करो रे तुषार, इतना फास्ट करने के बाद भी तू बोलता है फास्ट करो। देख 28 स्लाइड पहुंच गया और अभी हमारे पास सिर्फ और से एक घंटा हुआ, मतलब दो दो मिनट में एक स्लाइड खत्म हो रहा है, वो भी समझ रहा, हो जाएगा टेंशन मत ले, आ जाओ बच्चों आ जाओ अभी सब लोग। अब हमारे पास आता है क्वांटिफायर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्वांटिफायर का, तो आई थिंक सभी को ट्रुथ टेबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यस और नो? सभी को ट्रुथ टेबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बिकॉज अगर आपने ट्रुथ टेबल कर लिया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 3 मार्क पक्के हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 3 मार्क की गारंटी मैं बोलता हूं बच्चों, ठीक है? अब धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाला है,
बच्चों क्वांटिफायर में दो होता है, एक होता है फॉर ऑल और एक होता है देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल में आंसर ट्रू कब होता है, जब सारी वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करें। फॉर ऑल में आंसर ट्रू, हमेशा ट्रू की ही मैं बात करूंगा। जो फॉर ऑल के केस में आंसर ट्रू कब होता है, जब सारी वैल्यू हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और देयर एग्जिस्ट में आंसर ट्रू कब होता है, जब कम से कम एक वैल्यू ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। बहुत सिंपल फंडा है। फॉर ऑल क्या बोलता है कि सारी की सारी वैल्यू जो भी हमें दी गई है वह हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और देयर एग्जिस्ट क्या बोलता है, कम से कम अगर एक वैल्यू ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू। यस, आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बच्चों, सबका ध्यान यहां पर क्या लिखा है, इसका मुझे लिखना है ट्रूथ वैल्यू। देखो देयर एग्जिस्ट, आते ही दिमाग में बात आ गई कि किसी एक ने भी हमारे दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब किसी एक वैल्यू ने ही हमारे कम से कम, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही, एक या एक से ज्यादा हो सकता है, बट कम से कम एक वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब वैल्यू कहां से आएगी, ए से, और ए की वैल्यू देखो ए आ रही है। देखा बच्चों आपने, सो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स की वैल्यू, यस एक्स की वैल्यू ए से बिलोंग करती है, लेकिन इसमें से कम एक वैल्यू हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी तो आंसर ट्रू हो जाएगा। देखते हैं, थ्री रखा, थ्री माइनस एट इज माइनस फाइव, माइनस फाइव इक्वल टू वन, नो अभी तक तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। फाइव रखा, फाइव माइनस एट इज माइनस थ्री, माइनस थ्री इक्वल टू वन, नो। सेवन रखा, सेवन माइनस एट इज माइनस वन, माइनस वन इक्वल टू वन, नो। नाइन रखा, नाइन माइनस एट इज इक्वल टू वन, वन इक्वल टू वन, यस। मतलब जब आपने x के प्लेस पे 9 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आया। सर बाकी चेक करना जरूरी है, नहीं, क्योंकि देयर एग्जिस्ट क्या बोलता है कि अगर एक ने भी हमारे दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई किया, अगर एक वैल्यू ने भी हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया, सो आंसर इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, क्या इसका आंसर ट्रू है, यस 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 यस, द आंसर इज ट्रू, परफेक्ट परफेक्ट, आंसर इज ट्रू मेरे दोस्तों। क्या बात है, लॉक किया जाए, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो यार। देखो आप मेरे साथ जवाब दो, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे साथ ही प्रैक्टिस करो, यस, और जितना मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं, ठीक है। चलो चलो अगला सवाल एक और करते हैं, एक और करते हैं दोस्तों। ये क्या बोला इसने, ये क्या बोला इसने कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x इज एन इवन नंबर, मतलब x की जितनी भी वैल्यू है वो a से आ रही है, देखो a दिया गया है, x की जितनी भी वैल्यू है a से आ रही है, और कंडीशन कि x इज एन इवन नंबर, आपका x इवन होना चाहिए। पहला नंबर लेते हैं थ्री, थ्री इज इवन नंबर, सर थ्री तो ऑड नंबर होता है, ये क्या गजब हो गया, थ्री तो ऑड नंबर होता है ना, और ये तो इवन बोल रहा है, मतलब आंसर इज फॉल्स। सर आगे चेक कर नहीं रहे हो आप, क्या करना, अरे नहीं करना है, पूछो क्यों, क्योंकि फॉर ऑल बोलता है कि हर एक नंबर अगर इवन रहेगा तो ही आंसर ट्रू लिखूंगा, लेकिन यहां पर पहले वाले ने ही तो दम तोड़ दिया, पहले वाले ने नाटक कर लिया कि मैं तो ऑड हूं, मैं तो इवन नहीं हूं, मतलब पहला वाला ही गलत हो गया। बात समझने की सब लोग कोशिश करो, फॉर ऑल क्या बोलता है कि जितनी भी x की वैल्यू है, कितनी x की वैल्यू जो a के अंदर है, मतलब एक दो तीन जितनी भी वैल्यू है, सारे के सारी x की वैल्यूज आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और कंडीशन ये है कि आपका x इवन नंबर है, लेकिन यहां पर तो पहला ही वैल्यू 3 आ गया जो कि ऑड हो गया, तो आंसर इज फॉल्स। देखा बच्चों, यस आंसर इज फॉल्स। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, एक मिनट ध्यान से। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, देखते हैं इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी। बच्चों जरा ध्यान देना, मजेदार क्वेश्चन है। थ्री लिया,
3 का स्क्वायर 9, 9 इज लेस देन 0, नो, अरे 9 क्या 0 से छोटा होता है, नहीं बड़ा होता है, ओके, ओके, आगे, फिर 5 लिया, 5 का स्क्वायर 25, 25 इज लेस देन 0, नो, आगे चेक करो, 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 इज लेस देन 0, नो, अरे क्या नाटक है यार, 9 लिया, 9 का स्क्वायर 81, 81 इज लेस देन 0, नो, मतलब अभी तक किसी भी नंबर ने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, 11 का स्क्वायर 121, 121 इज लेस देन 0, नो, 12 लिया, 12 का स्क्वायर 144, क्या 144 लेस देन 0 है, नो, ये तो अजब ही हो गया बच्चों, अजब प्रेम की गजब कहानी, अरे भाई अजब एग्जिस्टेंशियल की गजब कहानी ऐसी है कि किसी भी नंबर ने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, और देयर एग्जिस्ट बेचारा रो रो के बोलता है कम से कम एक तो सेटिस्फाई कर दे, मैं आंसर प्रूफ फेंक दूंगा तेरे मुंह पर, कम से कम एक तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, मैं आंसर तेरे मुंह पे फेंक दूंगा ट्रू, लेकिन किसी ने नहीं किया यहां पर, जी हां बच्चों, यहां पर किसी ने भी हमारे दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, एफ मतलब फॉल्स, द आंसर इज फॉल्स, क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजे आ रहा है, यस फॉल्स ऑन द स्पॉट, ओके ओके, चलो फिर चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दे दिया, कितने क्वेश्चन दिए सर, एक और लास्ट क्वेश्चन प्लीज प्लीज, एग्जाम में आया है ट्रुथ वैल्यू के लिए, यस लास्ट क्वेश्चन कर लो, सेम क्वेश्चन वही है, अभी कंडीशन ये है, सो फॉर ऑल बोल दिया मतलब अगर सबने हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो आंसर आ जाएगा, थ्री रखते हैं, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स प्लस नाइन, अरे सिक्स प्लस नाइन क्या होता है सर, पंद्रह, 6 प्लस 9 क्या होता है 15, 15 इज ग्रेटर देन 14, यस क्या बात है, 5 लिया, 5 टू जा 10, 10 प्लस 9 19, 19 इज ग्रेटर देन 14, यस 7 लिया, 2 7 जा 14, ओए 14 प्लस 9 जो भी आएगा 14 से बड़ा ही है, मतलब तू कोई भी नंबर पुट कर हर बंदा 14 से बड़ा है, मतलब इस कंडीशन को सारे नंबर ने सेटिस्फाई किया और फॉर ऑल हो गया बच्चा, फॉर ऑल क्या बोला, मोगैम्बो खुश हुआ क्योंकि सारी की सारी वैल्यू ने कंडीशन को किया सेटिस्फाई, अगर किसी एक ने भी नहीं किया होता तो आंसर क्या होता, फॉल्स, देखो फॉर ऑल क्या बोलता है, फॉर ऑल मतलब सब लोग मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो ही मैं ट्रू रहूंगा नहीं तो फॉल्स बन जाऊंगा, तो सब लोगों ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया, आपने जो जो वैल्यू पुट की हर केस के अंदर यहां पे जो भी नंबर आया वो 14 से बड़ा ही आया, तो बच्चों इसका ट्रुथ वैल्यू मुझे क्या मिल गया, ट्रू, यस इसका ट्रुथ वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, ट्रू, यार बहुत मजा आ रहा है यार, मतलब आप रियल में इतना अच्छा रिप्लाई कर रहे हो ना कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत बहुत खुशी हो रही है, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चों का ना जितने लोग देख रहे हैं सबका 8 में से 8 मार्क्स आए और जो बाद में देखे उनका भी 8 में से 8 आए, लेकिन अभी ध्यान से देखो सब, चलो 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 आगे बढ़ते आगे बढ़ते, हां कन्वर्स इनवर्स आ गया, चल भाई रुक जा ओए ओए रुक जा, ड्यूएल्स अब आती है बारी ड्यूएल्स की, सर ड्यूएल क्या होता है, क्या एग्जाम में चिंदी क्वेश्चन पूछता है, कोई क्वेश्चन चिंदी नहीं होता, यस बेचारा क्वेश्चन बोलता है कि यार तुम लोग ऐसा क्यों करता है, मैं इतना आसान हूं तुम लोग मेरे को चिंदी बोलता है, और वो लॉ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाता है तो तुम उसको डिफिकल्ट बोलता है, ऐसा कैसा मेरे साथ ना इंसाफी है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करने का, मैं भी सिंपल मैं भी अच्छा क्वेश्चन है तुम लोग को मार्क्स देता है मैं, है कि नहीं, तुम्हारा मार्क्स कटवाता है क्या, नहीं चिंदी नहीं बोलने का, इसको अच्छा बोलने का क्वेश्चन, यस बेचारा क्वेश्चन को दर्द होता है यार, ये क्वेश्चन लोग बहुत दर्द अंदर से फील करते हैं, मैं समझता हूं इनके दर्द को, अभी तुम लोग भी समझो, तो ड्यूएल्स में क्या होता है बेटा, और को एंड करने का, और को एंड करने का, एंड को और करने का, ट्रू है तो फॉल्स करने का, ट्रू है तो फॉल्स करने का, और फॉल्स है तो ट्रू करने का, टी मतलब टॉटोलॉजी है तो, सी कॉन्ट्राडिक्शन करने का, और कॉन्ट्राडिक्शन है तो टॉटोलॉजी करने का, और निगेशन है तो उसको टच नहीं करने का, मतलब नो चेंज, बच्चों नो चेंज याद कर लो ये नियम कानून, क्योंकि एक बार आपने देख लिया जन्मों जन्मों के लिए आ जाएगा दिमाग में बैठ के आपके, सो बोलो और है तो एंड, एंड है तो और, ट्रू है तो फॉल्स,
फॉल्स है तो ट्रू, टोटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन तो टोटोलॉजी, राइट। और निगेशन को टच नहीं करने का, बस अगर ये आ गया तो बोलो ड्यूल्स क्या है इसका, इसका ड्यूअल क्या है बच्चों, निगेशन पी एंड है और बन जाएगा। फिर निगेशन क्यू, निगेशन को टच नहीं करना, निगेशन क्यू, उसके बाद हो क्या बेटा एंड का बन जाएगा और, फिर पी और है बन जाएगा एंड, फिर क्यू एंड है और बन जाएगा फिर निगेशन आर। देखा आप सबने, फिर से देख लो, निगेशन पी एंड का बना दिया और, निगेशन क्यू एंड का बना दिया और, और का बना दिया एंड, एंड का बना दिया और बाकी निगेशन को एज इट इज छाप दिया। यस, एंड बाकी को एज इट इज छाप दिया। यस यस, 8 मार्क्स पक्के करने सभी को। बेटा टेंशन मत ले पैट्रिक, सर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम होती, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन क्यों ना करे तुम्हें, दिनेश सर लेंगे ना। यस हाँ बेटा, सारे हिमांशु बेटा थैंक यू, बट सारे चैप्टर करने वाले हम लोग, सारे के सारे चैप्टर्स। यस, सारे मतलब पूरे मैथ्स वन मैथ्स टू के जो 15 चैप्टर हैं, मैथ्स वन के 7 चैप्टर, मैथ्स टू के कितने चैप्टर, 8 चैप्टर, सबको मिला करके एकदम बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, क्या समझे थे, थक गए हैं हम लोग, नहीं भाई। चलो 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 आगे हो, क्या बोला है, राइट द ट्रुथ वैल्यू। ओके बच्चों, ट्रुथ वैल्यू बोला है बच्चों, देखो ये अक्टूबर 2014 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आप बोलते हैं ना सर पता नहीं ये लोग क्वेश्चन पूछते कि नहीं पूछते, आप तो पढ़ा तो रही हो। देखो 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 ये क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट, क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई एक वैल्यू हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सर वो वैल्यू किधर से मालूम पड़ेगा, ये क्या लिखा है, n, n मतलब नेचुरल नंबर, जिनको नहीं पता नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफिनिटी। अरे भाई इनफिनिटी तक जाएगा, बिकॉज कुछ रेंज नहीं बोला है, कुछ रेंज नहीं बोला है सर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भूल गया, टेंशन क्यों लेता है, सब आ जाएगा, तू देख तो सही, बोर्ड एग्जाम के पहले तू एकदम आग लगा देगा। अब देखो ये सारी वैल्यू एक एक करके चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या किसी एक ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, बिकॉज अगर किसी एक ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, अदरवाइज तो आंसर फॉल्स, आपको पता ही है। एन की प्लेस में 1 रखा, 1 + 5 = 6, 6 इज ग्रेटर देन 10, नो। एन के प्लेस में 2 रखा, 2 + 5 = 7, 7 इज ग्रेटर देन 10, नो। 3 + 5 = 3 रखा, 3 + 5 = 8, 8 इज ग्रेटर देन 10, नो। 4 रखा, 4 + 5 = 9, 9 is greater than 10, no. 5 रखा, 5 + 5 = 10, 10 is greater than 10, no. 6 रखा, 6 + 5 = 11, 11 is greater than 10, yes. ये क्या है बच्चों, there exist है ना, तो हमें चेक करना है कि किसी एक ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया क्या, yes. किसी एक ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया क्या, अरे कर दिया ना, 6 ने कर दिया, आगे चेक करो, करेंगे ही करेंगे, लेकिन सारे नहीं कर रहे हैं ना, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देयर एग्जिस्ट का नियम ही होता है कि कम से कम एक वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो आंसर क्या होता है, ट्रू। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू, यस। ओके चलो चलो फटाफट फटाफट फटाफट, यस क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट सेशन को लाइक करो यार, किधर हो तुम लोग, वो थम्सअप वाला बटन, जी हाँ थम्सअप वाला बटन फटाफट दबा दो, लाइक करो सेशन को, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और ये रहा हमारा राइट, द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, अगर ड्यूअलिटी आ गई, ड्यूअल्स आ गया, तो अगली बारी निगेशन की, सबका ध्यान मेरी तरफ, सबका ध्यान मेरी तरफ। निगेशन के लिए नियम कानून देख लेते क्या है बच्चों, निगेशन सेम, और है तो एंड करो, एंड है तो और करो, बराबर, ट्रू है तो फॉल्स करो, फॉल्स है तो ट्रू करो, टॉटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन टॉटोलॉजी। अगर स्टेटमेंट में निगेशन है तो निगेशन लगाते समय आपको रिमूव करना है, मतलब एक ही जगह निगेशन होगा, या तो स्टेटमेंट के अंदर या तो उसके निगेशन के अंदर, किसी एक ही जगह होगा, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर आपका स्टेटमेंट में निगेशन नहीं है तो निगेशन लगाते समय निगेशन लगा दोगे, ठीक है, यस। उसके बाद
सम है तो ऑल करोगे, ऑल है तो सम करोगे, देयर एग्जिस्ट है तो फॉर ऑल करोगे, एंड फॉर ऑल है तो देयर एग्जिस्ट करोगे। समझे बात सब लोग? तो निगेशन निकालते समय याद रखना, अगर कहीं पर भी सम लिखा हुआ है उसको ऑल कर दो, ऑल है तो सम कर दो, देयर एग्जिस्ट है तो फॉर ऑल कर दो, फॉर ऑल है तो देयर एग्जिस्ट कर दो। तो ये निगेशन लगाने का तरीका होता है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, जरा ध्यान से देखना सभी लोग कि राइट द निगेशन। निगेशन वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज, जैसे मैंने आपको ट्रुथ टेबल बोला था इंपॉर्टेंट, वैसे ही निगेशन वाले क्वेश्चन भी होंगे इंपॉर्टेंट। तो कैसा लगेगा देखो, अभी निगेशन निकालते समय ना मैं आपको बताता तरीका। अगर सिंगल स्टेटमेंट होता है ना तो बहुत आसान, जैसे मैं बोलता हूं कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र का निगेशन क्या होगा, सर मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र। अपोजिट वर्ड नहीं यूज करने का, बस स्टेटमेंट में नॉट लगा देने का। बच्चों मुंबई इज इन महाराष्ट्र का निगेशन क्या होगा, मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, राइट। फिर कुछ भी स्टेटमेंट आए तो नॉट अपने को लगाना है, अगर पहले से नॉट दिया गया है तो नॉट को निकाल देने का, ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा अगर कंपाउंड स्टेटमेंट आता है जैसा कि आपको सामने दिखा गया, इसको हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करना, बिना सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किए मत करना मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो गलती हो जाएगी, गलती। लेट पी एक्स प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, लेट क्यू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 6। चलो बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म बना लो फटाफट, सिंबॉलिक फॉर्म। बोलो पहला स्टेटमेंट पी, दूसरा है और, और उसके बाद क्या है क्यू, देखा पी और क्यू। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, जी हां अब हमें निकालना है इसका निगेशन। देखते हैं कैसे निकालते हैं, देखता हूं कौन साथ देगा मेरा। इसका निगेशन निकालना है मतलब क्या करने का, पी और क्यू लिख करके उसके आगे निगेशन लगा दो। अब ये निगेशन को अंदर भेजो। बच्चों याद रखना निगेशन जो होता है वो हमेशा माइनस की तरह रोल प्ले करता है बेटा, किसकी तरह, माइनस की तरह, यस। तो कैसा होता है ये निगेशन, पी के पास गया तो निगेशन पी, और का हो जाएगा एंड, बेटा और का हो जाएगा एंड, और क्यू के पास लग जाएगा निगेशन क्यू। देखा आप सभी ने, तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान देना, अब मुझे ये पी दिया है, देखते हैं पी का निगेशन क्या होता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स प्लस 8 और 11 है बच्चों, बीच में क्या है ग्रेटर देन का साइन, तो ग्रेटर देन का निगेशन क्या होता है बच्चों, लेस देन और इक्वल टू। लोग ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, याद रखना। फिर निगेशन क्यू निकाल लेते यहीं पर, तो वाई माइनस 3 और 6 है इक्वेशन है ना, यहां पे इक्वल टू दिया है तो इक्वल टू का क्या होता है, नॉट इक्वल टू। अब यहां पे कुछ लोग बोलते हैं सर क्या मैं नॉट ग्रेटर देन लिखूं, चलेगा, मत कर ऐसा, मत कर ऐसा, समझ गया, लिख ऐसा जैसा बता रहा हूं। इक्वल टू में तो नॉट इक्वल टू करेगा चलेगा, लेकिन ग्रेटर देन के केस में हमेशा लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू एक ही जगह आएगा। अभी यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहां पे लगा दिया, सोचो अगर यहां पे इक्वल टू का साइन होता तो मैं इधर नहीं लगाता, एक ही जगह पे करने का बेटा। चलो आंसर क्या हो जाएगा देखो, इसका सिंबॉलिक फॉर्म में निगेशन पी, तो निगेशन पी मतलब एक्स प्लस 8 इज ग्रेटर इक्वल टू 11, फिर सिंबॉल किसका एंड का लिख दिया एंड, निगेशन क्यू वाई माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6, बस y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6, यस। कंटिंजेंसी और कॉन्ट्राडिक्शन में डिफरेंस, बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है ऑलवेज फॉल्स, और कंटिंजेंसी का मतलब होता है मिक्स्ड। हाँ बेटा लास्ट पेपर पे अपने को रफ वर्क करने का, यस, लास्ट पेपर पर अपने को रफ वर्क करना होता है। देखो सो कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन ऐसे निकालते हैं। आ जाओ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया मैंने, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। क्या बोला है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चों क्या बोला यहां पे, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कई लोग इसमें परेशान होते हैं, ठीक है चलो देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, कौन से फॉर्म में बेटा, सिंबॉलिक। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, लिख देते हैं लेट पी क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर,
लेट पी बच्चों क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, हाँ लॉ सिखाऊंगा टेंशन मत लो, क्यू इट इज अ रॉम्बस, इट इज अ आर एच ओ एम बी एस रॉम्बस। अब पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंबॉलिक फॉर्म में, क्योंकि बच्चों हमें निगेशन निकालना है, सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है, तो पी इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या होता है, डबल इंप्लाइज दैट एंड क्यू। अब आप सभी को पता है कि निगेशन कभी भी इफ देन का और इफ एंड ओनली इफ का कभी नहीं निकलता। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं बच्चों, इंप्लाइज दैट का निगेशन नहीं निकलता, ध्यान सुनो, पी इंप्लाइज दैट क्यू का अगर निगेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनाना पड़ता है। अब जिनको फॉर्मूला पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता ध्यान से सुन लो, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी इंप्लाइज दैट क्यू का पहले वाले का निगेशन लिखने का, बोलो पहले वाले का निगेशन, बीच में और लिखो फिर दूसरे वाले को छाप दो। देखा आप सभी ने, बोलो पहले वाले का निगेशन, वो जो पहले वाले का निगेशन फिर दूसरा बीच में और लिख करके दूसरा छाप देने का। अगर P डबल इंप्लाइज दैट Q है, देखो समझ रहा, P डबल इंप्लाइज दैट Q का मतलब होता है कंडीशन दोनों के ऊपर है, बच्चों कंडीशन दोनों के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, एक बार Q के ऊपर कंडीशन और एक बार P के ऊपर कंडीशन, और ये दोनों चाहिए तो बीच में क्या आएगा एंड। यस, अब ये दोनों चाहिए तो बीच में क्या आएगा एंड। अब आपको तो पता ही है P implies that Q मतलब पहले वाले का निगेशन, बीच में और लिख करके दूसरा छाप दो, ये एंड कॉपी किया, पहले वाले का निगेशन बीच में और लिख करके दूसरा छाप दो। ये तरीका है बच्चों करने का, जी हाँ ये तरीका है करने का, आप सभी लोग इसको अच्छे से करो। जब कभी भी implies या double implies आया और निगेशन बोला है तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं, सो लगभग वही है बच्चों, आप सभी लोग क्या करोगे, P implies that Q and Q implies that P हो जाएगा। Now negation P और Q and negation Q और P हो जाएगा। देखा सब आपने, ये हमने कर दिया, अभी हम क्या निकालेंगे इसका negation, बच्चों ध्यान दो, अभी हम क्या निकालेंगे इसका negation, तो negation कैसा होगा, negation of whole thing, तो negation P और Q and निगेशन क्यू और पी। चलो जल्दी बोलो फटाफट, अब ये जैसे ही निगेशन अंदर जाएगा, ओके अगर ये जैसे ही अंदर जाएगा तो बोलो क्या कर देगा, निगेशन निगेशन कैंसल, पी हो जाएगा और का एंड क्यू के साथ में लग जाएगा निगेशन। देखा आपने, सो निगेशन ऑफ निगेशन पी इज पी और का एंड क्यू के साथ में गया तो निगेशन क्यू, फिर ये एंड के पास आएगा जिसको बना देगा और, निगेशन निगेशन गया तो क्या हो जाएगा Q और का एंड और P का हो जाएगा निगेशन P। देख लो सब लोग अच्छे से, यस लॉ को याद करने का ट्रिक बताऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लेने का, तू रुक तो जरा अभी समय आने दे, सबका समय आएगा, एक एक करके सबको उड़ा देंगे हम लोग, बेटा ध्यान देना हम लोग एक एक कर को सबको उड़ाएंगे, बस मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से देख, ओके देख लो ध्यान से, तो निगेशन अंदर गया, अब इसका स्टेटमेंट लिखना बहुत कंपलसरी है, बोलो P क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, लिखता हूं क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, फिर ये एंड का सिंबल है तो एंड लिख दो, निगेशन Q सो इट इज अ रॉम्बस, ये Q है तो निगेशन Q क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ रॉम्बस, इट इज नॉट अ रॉम्बस, फिर क्या लिखा बेटा और, तो हमने लिख दिया और, फिर क्या लिखा है क्यू, क्यू क्या, इट इज अ रॉम्बस, इट इज अ रॉम्बस, फिर क्या लिखा है एंड, तो लिख दिया एंड, निगेशन पी की देखो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, ये पी है तो निगेशन पी क्या हो जाए, इट इज नॉट अ स्क्वायर, तो क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, हो गया खत्म। तो ऐसे हमने कर दिया सिंपल, सो इतने सिंपल वे से मैंने किया कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रॉम्बस, और इट इज अ रॉम्बस एंड इट इज नॉट अ स्क्वायर। यस ओके, मेरे साथ बच्चों ने आंसर दे दिया, देखो सभी लोग फटाफट
जल्दी से जल्दी फटाफट जवाब देना मेरे प्यारे बच्चों। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? है तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे तो और मजेदार चीज आने वाली है। ओके, आ जाओ इसका निगेशन। बच्चों जुलाई 2017 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, और मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ है कि याद रखना ये बात कि निगेशन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो फटाफट करते हैं इसको। यस, सॉल्यूशन में सबसे पहले ए, मुझे इसका निगेशन निकालना है बच्चों। एक एक मार्क के क्वेश्चन है, पहला सही तो 1 मार्क, दूसरा सही दूसरे 1 मार्क। तो अगर हमको निगेशन निकालना है तो फॉर ऑल का हो जाएगा देयर एग्जिस्ट। प्लीज ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। फॉर ऑल का हो जाएगा देयर एग्जिस्ट, फिर एन बिलोंग्स टू एन लिख दो, उसको कभी चेंज मत करना। फिर लिखना सच दैट, क्या लिखना बच्चों? सच दैट। फिर इसका निगेशन निकालो, एन प्लस 7 है और यहां पे 6 है बच्चों, यहां पे ग्रेटर देन है बराबर। तो निगेशन निकालते समय ग्रेटर देन का हम लोग क्या कर देंगे? लेस देन। क्या नीचे इक्वल टू का साइन है? नहीं, तो यहां पर इक्वल टू का साइन लगा दोगे। तो बोलो क्या हो जाएगा? फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट, इसमें कुछ नहीं टच करने का बच्चों, ये वैल्यूज दिखाता है। सो एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब आते हैं बी पे। द किचन इज नीट एंड टाइडी, इसको आप दो तरीके से ऐसे कर सकते हो, द किचन इज नीट एंड द किचन इज टाइडी। तो बच्चों इसका निगेशन क्या हो जाएगा? द किचन is not neat and का क्या बन जाएगा बेटा? और, बराबर है? Because इसको अगर मैं अच्छे से लिखूंगा तो बोलो क्या आएगा? The kitchen is neat and the kitchen is tidy. The kitchen is neat and the kitchen is tidy. तो kitchen is neat का negation क्या हो जाएगा? Kitchen is not neat. And के place पे और, बच्चों and के place पे और, फिर नॉट टाइडी, सो इट इज नॉट टाइडी। बस अगर आपने इतना लिख दिया होता, जो लोग ने जुलाई 2017 में ऐसे लिखा था उनका आंसर आ गया होगा। यस yes, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट इतना मत, बड़ा नीदर नॉर मत यूज कर, इतना सिंपल वे से आता मत कर इतना डिफिकल्ट। ओके चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। यस yes. So for all का there exists, n belongs to n, n plus 7 is greater than का हो जाएगा less than equal to 6, the kitchen is not neat and and का हो जाएगा or and it is not tidy. Okay okay, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, अरे भाई चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 2018 में 2 मार्क्स के लिए भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, देख लो, बाद में बोलना नहीं मैंने बताया नहीं। Yes, मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक मार्क का क्वेश्चन है। बोलो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज लिव इन द हॉस्टल, तो मैंने बोला था ऑल का क्या लिखने का? सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज लिव, ये वर्ब है, तो हम क्या लिखेंगे निगेशन करते समय? डू नॉट लिव इन द हॉस्टल। देखा बच्चों आपने? यस, तो ऑल का हो जाएगा सम, तो सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। अब यहां पे लिव हमारा वर्ब है, अगर इसमें यस या ईएस लिखा होता तो मैं डज नॉट लिखता, बट यहां पे लिव लिखा है तो यस या ईएस नहीं है, तो हम लिखेंगे डू नॉट। तो डू नॉट लिव इन द, डू नॉट लिव इन द हॉस्टल। ओके आगे आगे बी। अब यहां देखो बच्चों, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, तो इसका निगेशन निकालना है। पहला क्या है? 6 इज एन इवन नंबर, निगेशन क्या हो जाएगा? 6 इज नॉट एन इवन नंबर। बोलो और का क्या हो जाएगा बेटा? एंड। इसका निगेशन 36 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देख लो सब लोग, यस जल्दी देखो बच्चों, फटाफट फटाफट यार। अबे SUM नहीं है बेटा, स्वाति ही SUM नहीं, सम SOME। सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज नॉट लिव इन द हॉस्टल, उसके बाद 6 इज नॉट एन इवन नंबर और के प्लेस पे एंड 36 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो आपको ये 2018 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। प्रेम बोलता है इसमें भी ग्रामर, अरे बेटा ग्रामर तो हर जगह आएगा ना। ए, समझ में आया क्या?
यस, समझ में आया क्या? यस बच्चों, अब ध्यान देना, जहां तक मुझे लग रहा है इसके बाद आने वाले हैं एकदम से आग लगाने वाले क्वेश्चंस, जिनके चांसेस, जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा है। पहले जल्दी बोलो क्या यहां तक सबको समझ आया क्या, फटाफट बोला। यस मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं, एक बार रिप्लाई कर देना। मैं आपके चैट्स का आपको बहुत ध्यान से देख रहा हूं बच्चों। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट। सो आ गया जिसका था इंतजार। बच्चे कई समय से पूछ रहे थे ये सवाल कि सर कब आएगा, सर वो कब आएगा। देखो वो आ गया। अरे भाई देखो वो आ गया। सर किसकी बात कर रहे हो सर? जी हां, अगर आपके पास P implies that Q दिया गया है तो उसका कन्वर्स, अरे उसका इनवर्स और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या होगा बड़ा, कन्वर्स क्या होगा? Q implies that P, तो P implies that Q को ऐसा रिवर्स मारा तो क्या मिलेगा? Q implies that P, yes, inverse, इसमें ऐसा negation लगा दे, negation P implies that negation Q, और contra positive मतलब converse वाले में negation लगा दे, negation Q implies that negation P। कैसे याद रखने का? C for converse, C for contra positive, तो converse की value कैसे, sorry contra positive value कैसे आएगी? converse वाले में negation लगा करके, और इनवर्स कैसे आएगा? एक्चुअल स्टेटमेंट में निगेशन लगा करके। तो देखा बच्चों, अगर आपका स्टेटमेंट है P implies that Q, तो बोलो जल्दी कन्वर्स क्या हो जाएगा? सर Q implies that P। एंड बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। कई बार एग्जाम में सिखाया गया, सॉरी सिखाया बोल रहा हूं, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज कोई भी बच्चा रिस्क मत लेना और नहीं जाना। तू गया ना तो बाद में मेरे को बोलना नहीं कि यार सर ने तो सिखाया था, मैं उधर बैठा नहीं था। यस, तो क्या ही करेगा, जाके चाय पिएगा पानी पिएगा। अरे बेटा एक दिन के लिए एग्जाम तक चाय पानी खाना छोड़ दे, सिर्फ जीने के लिए खा, खाने के लिए मत जी, सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए खा, खाने के लिए मत जी, क्योंकि थोड़ा सा ही खा, क्योंकि ज्यादा खाएगा तो नींद आएगी, सो जाएगा, तो पढ़ाई कब करेगा मेरे बच्चे, तो पढ़ाई कब करेगा। इसलिए सर प्लीज पानी पी लो। थैंक यू बेटा, थैंक यू हेल्पिंग नेचर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बोला। ओके ओके, सो व्हाट इज कन्वर्स? क्यू इंप्लाइज दैट पी। व्हाट इज इनवर्स? निगेशन पी इंप्लाइज द निगेशन क्यू। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव? निगेशन क्यू इंप्लाइज द निगेशन पी। चलो आ जाओ एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन बात करते हैं। ये देखो बच्चों क्वेश्चन आया, सॉरी सबसे पहले सोल्यूशन लिख देते हैं। यहां पर इफ के बाद वाले को हमेशा पी बोलना, देन के बाद वाले क्यू बोलना, कुछ भी आगे पीछे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ के बाद वाला हमेशा क्या होगा बच्चा? पी, और देन के बाद वाला क्यू। तो लेट पी सरफेस एरिया डिक्रीजेस, लेट क्यू प्रेशर इंक्रीजेस। देखा बच्चों आपने? यस, सो लेट पी सरफेस एरिया डिक्रीजेस, लेट क्यू प्रेशर इंक्रीजेस, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ध्यान दो, अब सबसे पहला मुझे क्या करना है यहां पे? अच्छा इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? इफ समथिंग देन समथिंग, मतलब पी इंप्लाइज दैट क्यू होगा बच्चों। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? पी इंप्लाइज दैट क्यू। अब पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जा ध्यान रहा सब लोग, पहला आता है कन्वर्स। कन्वर्स मतलब क्यू इंप्लाइज दैट पी, तो क्यू इंप्लाइज दैट पी क्या हो जाएगा? इफ क्यू देन पी, तो अभी क्यू क्या है? प्रेशर इंक्रीजेस। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन पी सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस।
क्या क्लियर है सबको? यस 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 क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। एक नंबर, एक नंबर। Q implies that P मतलब if Q then P. So if Q, what is Q? Pressure increases, then P, P is what? Surface area decreases. Okay, okay बेटा, okay चलो second, second inverse. Inverse क्या होता है? Negation P implies that Q. बच्चों negation P implies that Q. तो इसका मतलब होता है if negation P, if निगेशन पी, व्हाट इज निगेशन पी? पी यहां पे है सरफेस एरिया इंक्रीजेस, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया सर डिक्रीजेस बोला सॉरी, यहां पे इफ क्या लिखेंगे हम लोग? सरफेस एरिया डिक्रीजेस का हो जाएगा डज नॉट, क्योंकि निगेशन लगाना डज नॉट डिक्रीज। देखा बच्चों आपने, सरफेस एरिया डिक्रीजेस का निगेशन क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया डज नॉट, बिकॉज यहां पे एस या ई एस है तो डज नॉट लिखने का, डज नॉट डिक्रीज। फिर यहां पे लिखा है देन निगेशन क्यू, यहां पे क्यू क्या है? प्रेशर इंक्रीजेस, तो निगेशन क्या हो जाएगा? जी हां, प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। देख लो बच्चों, इट इज ऑल अबाउट सिंपल कॉन्सेप्ट, सरफेस एरिया। यस, अब लास्ट आएगा आपका थर्ड वन, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बोलो क्या दिया है? निगेशन क्यू इंप्लाइज दैट निगेशन पी। तो बोलो बच्चों यहां पे क्या लिखोगे? निगेशन क्यू, तो इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज लिखते हैं, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन निगेशन पी, तो निगेशन पी यहां पे क्या है? सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ये मेरा पी है, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। देखा बच्चों आपने, अगर आपने इतना लिख दिया, पी लिखा, क्यू लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद कन्वर्ट्स, उसके आंसर, उसकी वैल्यू जो भी है सब आपने कर दिया, बच्चों आपका 3 मार्क्स पक्का। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया था, कन्वर्ट्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव के ऊपर। तो प्लीज बच्चों एकदम एकदम बेहतरीन तरीके से, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को करके जाओ। ये आपका 2023 में 2 मार्क के लिए पूछा था, राइट द इनवर्स एंड द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सोल्यूशन में बच्चों हमने पी किसको लिया? एक्स इज लेस देन वाई को। क्यू किसको लिया? एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर को। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? पी इंप्लाइज दैट क्यू। हमें क्या पूछा है बेटा? इनवर्स। आप सभी को पता है इनवर्स मतलब निगेशन पी इंप्लाइज दैट निगेशन क्यू, निगेशन पी इंप्लाइज दैट निगेशन क्यू। तो लिखेंगे इफ निगेशन पी, पी यहां पे क्या है बच्चा? एक्स इज लेस देन वाई, तो निगेशन क्या हो जाएगा? एक्स वाई लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन। यहां पे इक्वल टू नहीं है तो यहां पे इक्वल टू लग जाएगा। देखा आपने, यहां पे इक्वल टू नहीं तो इक्वल टू लग जाएगा। उसके बाद देन निगेशन क्यू, क्यू यहां पर है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। बच्चे यहां पर क्या है? लेस देन, तो लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखा आपने, एकदम सिंपल है, 2 मार्क के लिए पूछा था। ओके, अब निकालना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बच्चे कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? निगेशन क्यू इंप्लाइज दैट निगेशन पी, तो इफ निगेशन क्यू, तो इसका निगेशन निकालो फटाफट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन है ना, तो उसका उल्टा क्या ग्रेटर इक्वल टू, देन निगेशन पी, तो हो जाएगा एक्स वाई लेस देन का उल्टा ग्रेटर। देखो सभी लोग, यस बेटा, इसमें अंदर हम लोग ने पी वाई क्यू भी लिया हुआ है। आप सभी लोग लास्ट तक देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा आयुष, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, कोई बात नहीं। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि इसके अंदर कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जल्दी एक बार बता दो, तब तक बच्चों मैं पानी पीता हूं, आप लोग जरा मुझे बताओ क्या सबको समझा, क्या क्या सबको? यस, 2 मार्क पक्के बेटा, 3 मार्क के भी पूछते हैं जब वो लोग इनवर्स क्या बोलते हैं, इनवर्स बोल दिया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोल दिया, और क्या क्या
कन्वर्स भी बोलेगा तो यस चलो जल्दी बोलो बड़ा बच्चों यस आई एम वेटिंग यस बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया यस समझ गया देखो जिनको ये कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव समझ गया मैं गारंटी के साथ बोलता हूं भाई उनके तीन मार्क्स पक्के हैं मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जितने जितने बोल रहा हूं उसमें से आएंगे मैं पहले बोल रहा हूं आइए ना सर और क्वेश्चन के साथ ही साथ दिनेश सर भी आ गए सो हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बहुत देर से मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग बने हुए हैं जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं बराबर एकदम बने हुए हैं जा नहीं रहे छोड़ के कैसे पकड़ के रखा सर इनको आपने जाने क्यों नहीं दिया सर इनके साथ में पढ़ाते हुए क्योंकि जो रिप्लाई कर रहे हैं ना मतलब दिल खुश हो रहा है सर नहीं बच्चे को मैं देख रहा हूँ ना कि छोड़ नहीं रहे छोड़ नहीं रहे वो बैठे हैं बराबर करना है तो करना है तो सर अभी कितना कन्वर्स इनवर्स चल रहा था मैं थोड़ी देर पहले देखा तो अभी क्या बचा है लॉ बचा हुआ है और सर्किट तो फटाफट करा दीजिए खत्म करते हैं इसको यस तो बच्चों अभी फटाफट लॉ कर लेते हैं और लॉ का इंतजार बहुत देर से कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे बोल रहे लॉ 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 मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि क्योंकि और सर्किट का भी बता दीजिए और मुझे लगता है कि सर फटाफट वाइंड अप करना चाहिए ऐसे तो अपना 7 बजे तक टाइम है कोशिश कीजिए और एक्चुअली सर बच्चों कम टाइम में बच्चों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता नहीं नहीं टाइम का तो ठीक है लेकिन अभी जो भी दो टॉपिक बचे हैं यस यस इसको ऐसा बताइए लेकिन इजी करके बताइए थोड़ा यस सर बहुत इजी यस बच्चों अभी सर फटाफट करवा रहे हैं आप लोग कोई जाएंगे नहीं ओके जाएंगे नहीं जब तक होगा नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ठीक है अभी मैं कल जो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लेकर आ रहा हूँ 4:30 बजे तो जो भी बच्चे याद रखे कल का टाइम सेट कर लो अलार्म सेट कर लो भूलना नहीं है क्योंकि सर इन लोगों ने इंटीग्रेशन जो है ना ऑप्शन में मतलब सबने तो नहीं रखा है 50% बच्चों ने ऑप्शन में रखा है मेरा जितना एनालिसिस है ठीक है तो भाई बर्थडे है किसी का ओके अनिकेत बर्थडे है अर्पित बिल्कुल हैप्पी बर्थडे बेटा हैप्पी बर्थडे तो भाई और बहन जो भी है हमारे प्यारे बच्चे सभी लोग कल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होने वाला है क्या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर 2.5 घंटे के अंदर कोशिश करूंगा 2 से 2.5 घंटे के अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक लेके अच्छे से आपके माइंड में फिट करना जिन लोगों ने ऑप्शन में छोड़ा वो पहले आएंगे हाँ धक्का मुक्की नहीं करने का ऑप्शन वाले पहले आने का ठीक है और जिसने किया उसको तो आना ही नहीं मेरे भाई कितने सारे टाइप है भूल जाएगा बहुत सारे टाइप है ना एकदम इजी करके दूंगा मैं सच बता रहा हूँ इस साल की बैच को ही मैंने इतनी बार पढ़ा दिया है बैचेस में शौर्य में शक्ति में फिर टॉपर्स में एडवांस में प्रो में है ना और YouTube पर भी तो मैं तुमको सारे इंपॉर्टेंट दे दूंगा यस yes? और जितने भी PYQs हैं yes. और जो इंपॉर्टेंट थियरम्स हैं तो जिसने पूरा चैप्टर नहीं सीखा था थियरम में जो बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट में प्रूफ बताऊंगा कैसे किया जाता है उसको माइंड में रखना जो फॉर्मूलेस के प्रूफ होते हैं वो बता दूंगा माइंड में रखना तो अगर तूने ऑप्शन में छोड़ा है तो भी आ जा इसके जो 10 मार्क है तेरे हाथ के yes. जाने नहीं देंगे हाँ इंग्लिश का भी महा रिविजन होगा हिंदी का भी महा रिविजन होगा एंड यंदा पहले अंदा आपल्या चैनल वर मराठी ही होणार आहे ओके तयारी एकदम चालू आहे जय्यत तयारी चालू आहे ठीक आहे आता मी तुमचं टाइम न घेता मिथलेश सरांना हे हँडओव्हर करतोय माईक जायचं नाहीये अर्धा तास अजून बस ओके अर्धा तास आणि जे मेन इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे ते आता घेत आहेत सर प्रत्येकाने लक्ष देऊन ऐका पाणी घेऊन बसा आणि तुम्ही जाऊ नका ठीक आहे थँक्यू सर थँक्यू सर फटाफट लिहिजे यस सर यस ओके सर ओके सो गाइस हमारा इनवर्स कन्वर्स ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया मुझे लगता है कि अभी आप कर सकते हो अच्छा एक चीज और अभी आपने देखा मार्च 2017 में बच्चों 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था It rains, then the match will be cancelled. कितनी बार ये क्वेश्चन किया मतलब अभी तो आप कर सकते हो किसका कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्लीज इसको अच्छे से करके जाओ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ओके चलो सो हमने कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर लिया बच्चों देखो ये भी आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है 3 मार्क का तो आप अभी आप समझ सकते हो कि कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे इतना इंपॉर्टेंट होता है राइट अब मैं आपको हल्का सा निगेशन निकालना सिखाऊंगा जो कि सबको पता है फिर भी ध्यान से सुनो क्या बोला है यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन अब आप एक बात सुन लो
आपने बचपन में एक लॉ सीखा है, डी मॉर्गन्स लॉ। बोलो क्या सीखा है बच्चों? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, क्या होता है? अगर पी और क्यू दिया गया है, निगेशन जैसे ही अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? निगेशन पी, और का एंड, और क्यू का हो जाएगा निगेशन क्यू। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या हो जाएगा बच्चों? निगेशन पी और निगेशन क्यू। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो फटाफट करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको आधे घंटे में सब कुछ खत्म करना है, और यार मजेदार आने वाला है, क्योंकि अभी तो आने वाला है लॉ और सर्किट। चलो फटाफट आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। निगेशन पी इंप्लाइज दैट क्यू का मुझे निकालना है निगेशन। देखो आप, तो मुझे इसका निकालना है निगेशन। देखो कैसे निकालते हैं, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इंप्लाइज दैट पी। आप सभी लोगों को पता है कि इंप्लाइज का निगेशन नहीं निकलता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स, इंप्लाइज का निगेशन नहीं निकलता। तो अभी हम लोग इंप्लाइज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबको पता है पी इंप्लाइज दैट क्यू क्या होता है बच्चों? पहले वाले का निगेशन बीच में और दूसरा छाप देने का। चलो वही करते हैं। पहले वाले का निगेशन, सर पहला वाला कौन? निगेशन क्यू, उसका निगेशन बीच में और फिर दूसरा छाप दो। छाप दिया, ओके रुक जा भाई रुक जा। पहले हैंडर कर ले, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है वैसे निगेशन निगेशन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, निगेशन निगेशन कैंसिल, तो क्या आएगा? क्यू, फिर और, फिर पी कॉपी किया। एक काम कर, निगेशन सबके पास भेज, तो हो जाएगा निगेशन क्यू और का एंड निगेशन पी। दैट्स इट, इतना सही तो था। बोलते ना लप्पू सा क्वेश्चन था ये अपना, है कि नहीं? आ जाओ अभी यहां देखो, इसका निगेशन निकालना है बच्चों। एकदम सिंपल क्वेश्चन, निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू एंड आर। तो आप सभी को पता है जब निगेशन अंदर जाएगा सबको बदलते हुए जाएगा, तो निगेशन पी और का एंड, निगेशन निगेशन कैंसल, क्यू एंड का और ये हो जाएगा निगेशन आर। देखो बच्चों, निगेशन पी और का एंड, निगेशन ऑफ निगेशन हो जाएगा क्यू एंड का और निगेशन आर। क्लियर क्लियर, ओके ओके। MS XYZ, मेरे डाउट्स भी क्लियर नहीं हुए। क्या बेटा क्या डाउट? जल्दी बोल, पनवेल निकलना है तेरे को भी, मुझे भी। चल ओके चलो बच्चों आ जाओ, अभी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन करवा दिया पहले ही, प्लीज कंफ्यूज मत होना, आ जाओ। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं सारे लॉ। आ गई बारी लॉज की बच्चों, आ गई बारी लॉज की, क्योंकि हमें आना है बात। यस बेटा, जस्टिफिकेशन में रूल दे देना कि कहां पे तूने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, कहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया। जैसे जहां पे तूने फॉर्मूला अप्लाई किया तो वहां पे लिख दे कि सर कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल लॉ है। उसके बाद जहां पे निगेशन को अंदर भेजा वहां पे लिख दे तू सिंपल सा निगेशन। आ जाओ बच्चों लॉ पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोग कभी से डिमांड कर रहे थे और सबका फेवरेट आ चुका है लॉ। बच्चों मैं लॉ आपको ऐसे सिखाऊंगा कि एकदम खत्म हो जाएगा। यस ओके, पहला लॉ बच्चों में ध्यान देना सब लोग, समझना। पी पहला लॉ जो है उसको हम बोलते हैं आइडिम्पोर्टेंट लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? आइडिम्पोर्टेंट लॉ। आइडिम्पोर्टेंट लॉ क्या होता है? पी और पी इज इक्वल टू पी होता है, एंड P and P is also equal to P. मतलब सेम स्टेटमेंट हो बीच में एंड और, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता, आंसर वही आने वाला है। फिर आता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, जैसे मैंने बोल दिया P और Q, तो बच्चों मैं P और Q बोलू या Q और P बोलू, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। सिमिलरली P एंड Q बोलू या Q एंड P बोलू, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। तीसरा, कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव। बच्चा लोग एसोसिएटिव लॉ प्लीज थोड़ा फास्ट करना सभी लोग। पी और क्यू और आर या पी और क्यू और देखो एसोसिएटिव लॉ कब अप्लाई होता है? जब बच्चों ऑपरेटर सेम होता है, ऑपरेटर सेम होना चाहिए, और है कि नहीं? अगर हर जगह ऑपरेटर सेम होगा, इधर भी और, तो आप किसी को भी किसी के साथ रखो। पहले यहां पे मैंने Q और R को सॉल्व किया, राइट, फिर बाद में P के साथ सॉल्व किया, यहां पे मैंने P के ऊपर सॉल्व करके बाद में R के साथ सॉल्व किया, दोनों से आंसर सेम आएगा। सिमिलरली P एंड Q एंड R है, तो मैं पहले किसी को भी सॉल्व करूं, आंसर सेम आएगा। ओके, नाउ फोर्थ वन,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, पी और क्यू एंड आर, ध्यान रख, अंदर और बाहर का अगर ऑपरेटर सेम होता है, यस यस बच्चों, अगर अंदर बाहर का ऑपरेटर सेम होता है तो लगता है एसोसिएटिव लॉ, लेकिन अगर अंदर बाहर का ऑपरेटर होगा डिफरेंट, तो डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बच्चों, डी फॉर डिफरेंट एंड डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसा, देखो ये और है और ये एंड है, डिफरेंट है, तो इस अंदर वाले को अंदर भेज, मतलब बाहर वाले को अंदर भेज दो, पी और का मल्टीप्लाई क्यू के पास गया, पी और क्यू, फिर एंड है तो एंड, इसी पी और का मल्टीप्लाई आर के पास भेजा, पी और आर, देखा बच्चों आपने, यस एकदम सिंपल, पी और का मल्टीप्लाई क्यू के साथ पी और क्यू, पी और का मल्टीप्लाई आर के साथ पी और आर, बीच में एंड है तो एंड। वैसे एक और कर लो, समझ गए, यहां देखो अगर मैं यहां पे दिया है पी एंड क्यू और आर, बच्चों पी एंड का मल्टीप्लाई क्यू के साथ जाएगा तो क्या आएगा, पी एंड क्यू, फिर यहां पे आर है तो आर, इसी पी एंड का मल्टीप्लाई आर के साथ तो पी एंड आर हो गया, यस। प्रॉपर्टी नंबर फाइव, कॉम्प्लीमेंट, याद कर लो कॉम्प्लीमेंट लॉ बच्चों, पी और निगेशन पी होता है ट्रू, पी एंड निगेशन पी होता है फॉल्स, कैसे रखने का, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर एयर फोर्स एएफ, बच्चों और आया तो ट्रू लिखने का, कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसे याद करने का, अबे धीरज तेरे 150 रुपए काटूंगा, नहीं मतलब, और आए तो ट्रू लिखने का एंड आए तो फॉल्स, और आए तो ट्रू लिखने का एंड आए तो फॉल्स बच्चों, और आए तो ट्रू एंड आया तो फॉल्स, सो पी और निगेशन पी की वैल्यू क्या होगी, ट्रू ओटी, और पी एंड निगेशन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। चल भाई कॉम्प्लीमेंट लॉक हो गया। कॉम्प्लीमेंट के बाद आपका आता है सिक्स्थ वन, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी, यस बच्चों आइडेंटिटी लॉक क्या होता है, धब समझो जरा, पी और ट्रू, P और false, P and true, P and false, देखते हैं क्या आता है, अगर P के place पे true रखा, true और true, answer true आएगा, P के place पे false रखा, false और answer true, false आएगा, true आएगा, मतलब P के place पे कुछ भी रखो, ये true होने की वजह से answer हमेशा true आएगा, अब जब मैं P के place पे true रखता हूँ, true और false, answer true, P के place पे false रखा, false और false, answer false, तो P के place पे true रखने से answer true आता है, और P के place पे false रखने से तो और answer false आता है, मतलब क्या हो गया, किसके ऊपर dependent है, P के ऊपर, true and true, true, false and true, false, मतलब P आएगा, true and false, false, false and false, false, देखा, तो ये आपको इस तरीके से identity law होता है। अच्छा एक मैं बात आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, कि distributive, कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी हमेशा सीक्वेंस में आते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी हमेशा रखना सीक्वेंस में ही आएंगे, जरा ध्यान रख सब लोग, सर सीक्वेंस मतलब कैसा, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव आया तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आया तो आइडेंटिटी हमेशा आएगा। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आपके एक्सरसाइज में भी पहला क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सॉल्यूशन, सबका ध्यान यहां पर, मैं लेने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा है, P डबल implies that Q is equivalent to P and Q or negation P and negation Q. P double implies that Q is equivalent to चलो ओके, सो ये हो जाएगा बच्चों P double implies that Q, आ जाओ, बिकॉज ध्यान देना बच्चों लॉ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्किट वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए जो सिंपल सिंपल है मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है, आ जाओ यहां पे देखो, तो आप सभी को पता है P double implies that Q को आप लिख सकते हो P implies that Q and Q implies that P, सही है, इसको हम बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, सॉरी बाय, हाँ कंडीशनल या बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल बच्चों, यहां पे रीजन देते जाओ ओके, फिर आपने क्या करना है, इसको लिख दो निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू और पी, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल लॉ, ठीक है, देखो बच्चों तो ये आप सभी लोगों को मैंने बताया है, यस देखो सब लोग फर्स्ट,
एक बार फिर से देख लो सब लोग, आईडी इंपॉर्टेंट लॉ पी और पी होता है, पी पी एंड पी होता है पी, कम्यूटेटिव लॉ पी और क्यू होता है क्यू और पी, पी एंड क्यू और क्यू एंड पी सेम होता है, एसोसिएटिव में किसी को भी किसी के साथ लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमेशा आप लोग अंदर और बाहर डिफरेंट ऑपरेटर होगा, समझ जाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। तो इस पी और का मल्टीप्लाई क्यू में किया तो पी और क्यू, एंड कॉपी किया पी और आर, वैसे ही पी एंड का मल्टीप्लाई क्यू में किया तो पी एंड क्यू, फिर पी एंड आर, कॉम्प्लीमेंट बीच में और रहेगा तो आंसर हमेशा ट्रू आता है, और एक स्टेटमेंट होगा दूसरा उसका निगेशन होगा, और एंड रहेगा तो आंसर हमेशा फॉल्स आता है। चलो ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लीज 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 प्लीज, हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, ये देखो सब लोग, इसको मैं एक टर्म समझ रहा हूं बच्चों, इसको मैं एक टर्म समझ रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई निगेशन पी के साथ फिर क्यू के साथ करूंगा, तो क्या होगा निगेशन पी के साथ किया तो क्या होगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और पी। देखो सब लोग, इस पूरे बॉक्स का मल्टीप्लाई निगेशन पी के साथ किया तो निगेशन पी, और ये क्या है आपका एंड निगेशन क्यू और पी, फिर बीच में क्या आ गया और, इसको मैं ब्रैकेट डालता हूं और, फिर इसी का मल्टीप्लाई क्यू के साथ किया तो क्यू, राइट बच्चों क्यू, उसके बाद क्या हो जाएगा एंड निगेशन क्यू और पी, देखा आप सभी ने, तो जब आपने निगेशन पी के साथ किया तो ये मिला, अब इसके साथ ये मिल गया, आपने अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बोलो कौन सा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बराबर। फिर देखो फिर निगेशन पी एंड, यहां पे एंड और यहां पे और है, डी फॉर डिफरेंट एंड डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका मल्टीप्लाई निगेशन क्यू के साथ करो तो क्या आएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, देखो हुआ कि नहीं, इसका मल्टीप्लाई निगेशन क्यू के साथ करो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, अब ये और है तो और छाप दो, फिर इसी का मल्टीप्लाई पी के साथ करो तो निगेशन पी एंड पी। चलो फर्स्ट पार्ट क्लियर, अब यहां पे भी एंड और डिफरेंट ऑपरेटर है तो हम लोग मल्टीपे, तो क्यू एंड का मल्टीप्लाई निगेशन क्यू के साथ, अच्छा ये और कॉपी कर दिया हमने, क्यू एंड का मल्टीप्लाई निगेशन क्यू के साथ, तो क्यू एंड निगेशन क्यू, बीच में और कॉपी किया, क्यू एंड का मल्टीप्लाई पी के साथ तो क्यू एंड पी, देखा बच्चों आपने, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, निगेशन पी एंड का मल्टीप्लाई निगेशन क्यू के साथ किया, इसी निगेशन पी एंड का मल्टीप्लाई पी के साथ किया और बीच में और कॉपी किया, ये और छाप दिया, Q एंड का मल्टीप्लाई निगेशन Q के साथ, Q एंड का मल्टीप्लाई P के साथ और बीच में और छाप दिया। अब ये भी कौन सा लॉ है बेटा, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जी हाँ ये भी कौन सा लॉ है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यस। अब हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा, जी हाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए क्या करोगे, स्टेटमेंट और उसका निगेशन ढूंढोगे, तो स्टेटमेंट यहां पर है निगेशन यहां पर है, स्टेटमेंट यहां पे निगेशन यहां पे, मतलब इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, देखो कैसे, निगेशन P एंड निगेशन Q हमने कॉपी किया और कॉपी किया, बच्चों याद है एंड है तो एंड याद है एयरफोर्स, एयरफोर्स तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, और यहां पे भी एंड है, एंड है तो एयरफोर्स, तो एंड के केस में आएगा फॉल्स, और क्यू और पी। चलो बच्चों अभी आपको पता ही है कि दिस और फॉल्स यही आने वाला है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, चेक कर लो आप, और यही आएगा क्यू और पी, देखो आंसर वही है पी एंड क्यू, मैं एंड मैंने गलती से, आप बच्चों याद ये मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी सॉरी, Q एंड P है, Q एंड P है, अब सही है। चलो सभी लोग फटाफट आगे पीछे कर दो, सो इसको मैंने P एंड Q आगे लिख दिया, फिर बीच में और इसको बाद में कर दिया, नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू आर एच एस, देखा आपने, तो लास्ट में आपने क्या लिखा दिया यहां पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में लग गया आपका आइडेंटिटी, देखो सब लोग क्लियर है क्या, यस yes? अबे करेक्ट है पागल अथर्वा, तो करेक्ट है आरएचएस आ गया ना, देखो बच्चों फटाफट, तो सबसे पहले हमने बाय कंडीशनल लॉ अप्लाई किया, फिर कंडीशनल अप्लाई किया, उसके बाद हमने इस पूरे को उठा करके अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लग गया, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर भी अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लग गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही आता है, राइट कॉम्प्लीमेंट ही आता है, सो क्या हो जाएगा एंड, देखो स्टेटमेंट और उसका निगेशन दिख गया, यहां पर कॉम्प्लीमेंट लग गया,
स्टेटमेंट है उसका निगेशन लग गया था, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट लग गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये आंसर आ गया। अब इससे मुझे यही मिलेगा क्योंकि आइडेंटिटी बोलता है, अगर ये पूरा स्टेटमेंट है इस पूरे को हम ट्रू बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, मतलब यही इसी के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। इसमें अगेन अगेन सेम क्यू और पी आ जाएगा, फिर बाद में आगे पीछे कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड P और Q एंड P और निगेशन Q, क्या इसके अंदर कुछ कॉमन है? आप कॉमन ले सकते हो सर, P और सिर्फ स्टेटमेंट कॉमन होना जरूरी नहीं है, उसके साथ में कुछ और भी कॉमन होना जरूरी है। सो P और कॉमन है बच्चों, P और ले लिया बाहर तो अंदर क्या बचेगा, Q यहां पे एंड और यहां पे निगेशन Q, देखा आपने, क्योंकि जैसे आपने P और गया बाहर तो क्या बचा, Q एंड निगेशन Q, तो कॉमन लेना या अंदर मल्टीप्लाई करना दोनों का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बच्चों दोनों का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे देखो, अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट के बाद कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, पी और बोलो एंड आ गया, एंड आया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, दिस इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और पी और फॉल्स आपको पता है पी ही आता है, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। देख लो भाई सिंपल है, देखने से मालूम पड़ता है, हमेशा रखना कोई भी क्वेश्चन दिया होगा आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले लग सकती है क्या, कुछ कॉमन हो सकता है क्या, किसी को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, यस नाउ इट इज इक्वल टू आर एच एस। चलो आ गया, यहां पे भी एक क्वेश्चन देख लो बच्चों, चलो ये भी कराता हूं मैं, तो जानबूझ के मैंने ये देखो 2022 मार्च पिछले के पिछले साल में आया था। ओके सर्किट आ गया, सर्किट आ गया, सर्किट आ गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ। चलो चलो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पी एंड क्यू, बच्चों एकदम ध्यान से देखना, निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, मुझे पी और क्यू प्रूफ करना है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। देखो सब लोग तीन लोग हैं ना तो मल्टीप्लाई करने के पीछे मत भागो बच्चों, तीन लोग हैं तो मल्टीप्लाई करने के पीछे मत भागो, कॉमन लेने के पीछे भागो। देखो किसमें क्या कॉमन है, पी एंड पी नहीं नहीं एंड क्यू कॉमन है, देखो इन दोनों में से कॉमन हो रहा है तो पहले इन दोनों को पकड़ लो, तो एंड क्यू बाहर निकाल दो, जैसे आपने एंड क्यू बाहर निकाला यहां पर क्या बचा, पी यहां पर और एंड निगेशन पी हो गया, यस और एंड निगेशन क्यू, तो कॉमन लेना या मल्टीप्लाई करना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं पूरा नहीं लिख रहा आप समझ जाओ, तो आप फास्ट करेंगे ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमेशा क्या लगता है आपका, कॉम्प्लीमेंट, और ये तो इधर ही लगेगा बिकॉज कॉम्प्लीमेंट के लिए स्टेटमेंट और उसका निगेशन साथ में होना चाहिए, पी निगेशन पी। अब आपको पता है और आया मतलब ओटी, यस ओटी ऑपरेशन थिएटर क्या हो जाएगा, ट्रू एंड क्यू और P एंड निगेशन Q, ठीक है बेटा एब्जॉर्प्शन लॉ बता रहा हूं, युवराज बता दे रहा हूं भाई, बता दे रहा हूं, ये ले एक मिनट, एक बच्चा एब्जॉर्प्शन लॉ के लिए परेशान है, रुक जाओ ये देख ले भाई, सुन ले, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, P और P एंड Q इज इक्वल टू P, मतलब ऑपरेटर डिफरेंट होने चाहिए और अंदर बाहर एक स्टेटमेंट सेम होना चाहिए बच्चों, यस ऑपरेटर डिफरेंट होना चाहिए, अंदर बाहर सेम सेम स्टेटमेंट होगा तो वही स्टेटमेंट हमारा आंसर होता है, ठीक है ये होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। प्लीज अभी हम यहां पे थे, यहां पे देख लेते हैं, तो बच्चों हमारे पहले दोनों में एंड क्यू कॉमन ले लिया, एंड क्यू कॉमन लेने के बाद जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो दिमाग में आएगा कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने के लिए, और बच्चों यहां पर और है, ओटी ऑपरेशन थिएटर क्या हो जाएगा, आंसर ट्रू, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट यहां से आंसर क्यू ही आएगा बिकॉज आप चेक कर लो, ये हमारा आइडेंटिटी लॉ बोलता है। चलो यहां पे और यहां पे एंड मतलब फिर से क्या अप्लाई होगा, जी हाँ फिर से अप्लाई होगा यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो क्यू और को मल्टीप्लाई करो पी के साथ, तो क्यू और पी सही है, फिर यहां पे एंड कॉपी किया, अब इसी का मल्टीप्लाई निगेशन पी के साथ, निगेशन क्यू के साथ, क्यू और निगेशन क्यू, तो फिर से क्या अप्लाई हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्यू और पी कॉपी किया एंड, अब बताओ
कॉम्प्लीमेंट लगेगा ही लगेगा, और आ गया ऑपरेशन थिएटर, ट्रू हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, अपने दिमाग में बस ये बात याद रखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी फिक्स्ड है। अगर आप इसको पकड़ रहे तो आगे कुछ नहीं, रोटेशन। ओके, सो अब ये Q और P एंड ट्रू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, Q और P ही आएगा, बिकॉज आंसर में भी वही चाहिए। तो मैं Q और P बोलू या P और Q बोलू, दोनों का मीनिंग सेम है। तो लास्ट में क्या लग गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यस, आपका आंसर हो गया। चलो देखा, हो गया बच्चों RHS। यस बेटा, कंडीशनल लॉ क्या होता है, P implies that Q को हम बोलते हैं निगेशन P और Q, सही है। पहले वाले ये मैंने बताया बेटा, क्या कर रहा है, निगेशन P और Q, फिर P double implies that Q है, इसको आप लिखते हो P implies that Q and Q implies that P। अब पीछे जाओगे देखो सब बताया मैंने, ठीक है। चलो अब आता है सर्किट डायग्राम। तो बच्चों सर्किट डायग्राम क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट होता है, चार मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। यस, कोचा क्वेश्चन सॉल्व करते समय लॉ का नाम लिखना कंपलसरी है भाई। यस यस यस, लॉ पढ़ाई बोल रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लॉ का नाम लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ओके हाँ बेटा, जो भी लॉ आप यूज करते हो उसको लिखने का रे बेटा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे बट उससे आपको बेस्ट हो जाएगा। ओके ओके, चलो सभी लोग को पता है कि सीरीज मतलब क्या होता है एंड, और पैरेलल का मीनिंग क्या होता है और, याद कर लो बच्चों। सीरीज मतलब जैसे याद रखो, ये S1 है और ये S2 है, ये मान लो इसके लिए स्टेटमेंट P, इसके लिए स्टेटमेंट Q है, तो यहां पे क्या हो जाएगा P एंड Q, ये आपका S1 है और ये आपका S2 है। यहां पे क्या हो जाएगा, मान लो S1 पे P है, S2 पे Q है, यहां हो जाएगा P और Q। बच्चे याद रखना सीरीज में हमेशा एंड होता है और पैरेलल में हमेशा और होता है। तो चलो आ जाओ ये क्वेश्चन देख लो भाई, बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं, और क्या। चलो क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देख, कंस्ट्रक्ट द न्यू स्विचिंग सर्किट। ओहो, तीन मार्क के लिए पूछा था अक्टूबर 2013 में। न्यू स्विचिंग सर्किट का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं, बट स्विचेस कितने हैं, S1, S2, S3, तीन स्विचेस हैं। लेट कर लो, लेट S1, S2, वेट सॉरी PQR स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S2 इज क्लोज्ड। हमेशा अपने को स्विचेस क्लोज करके रखना है, क्लोज्ड। अब इसमें डैश में कौन है बेटा, S2 डैश, S3 डैश है, बाकी कोई डैश नहीं है। तो डैश में S2, S3 मतलब निगेशन Q और निगेशन R आएगा, बिकॉज S2 का डैश है और S3 का डैश है, तो मुझे S2 का निगेशन और S3 का निगेशन चाहिए, तो निगेशन Q, निगेशन R। यहां पे लिख दो स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड, और लास्ट में लिख दो L, लैंप इज ऑन। बस अभी आपको लिखना है बड़ा सिंबॉलिक फॉर्म, बोलो क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म। ध्यान से देखो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे करूंगा, ध्यान से देखो, हमेशा मेरे सर्किट को पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक ऊपर का पार्ट होगा और एक नीचे का पार्ट हो गया, दोनों पैरेलल है ना, एक ऊपर का पार्ट होगा और एक नीचे का पार्ट होगा, दोनों पैरेलल है मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा और, दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच में क्या आएगा और। अब आते हैं हम लोग ऊपर की तरफ, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों सीरीज में है, क्योंकि आगे अब आजू बाजू में ना, तो क्या होगा सीरीज में, तो बीच में क्या आएगा एंड। अब उसमें से पहला कौन है बेटा, S1। देखो कैसे कर रहा हूं, ऊपर नीचे पैरेलल हो गया, अब फर्स्ट में आते हैं, S1 है, डिवाइड करना ना S1, तो S1 क्या हो गया आपका P, फिर S2, S3 आपका यहां पे पैरेलल है, तो S2 मतलब Q और S3 मतलब R, तो QR, और वो पैरेलल है तो बीच में क्या हो जाएगा और। यस, एकदम सिंपल सा, सर ये आया था आज एग्जाम में, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। देखो बता रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको, कभी भी कोई भी बंदा यहां पे कोई भी स्विच को ओपन नहीं लिखेगा, एवरी टाइम क्लोज ही लिखना है बस। अब आते हैं यहां पर, एक दो न तीन, तीनों क्या है सीरीज में है,
तो क्या होगा, एंड पहले S1 लिखता हूं P, फिर S2 डैश लिखता हूं निगेशन Q, S3 डैश लिखता हूं निगेशन R। देखा बच्चों आपने, जी हां, इसको सिंप्लीफाई कर दो, P एंड Q और R एक हो गया, और P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R। चलो ये हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, P एंड Q और R एक ब्रैकेट में एंड सॉरी और है P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R। तो बच्चों मैंने इसको साथ में रख दिया, ठीक है, बिकॉज सबके बीच में एंड है तो मैं किसी को भी किसी के साथ लिख सकता हूं, प्लीज। ओके प्लीज बच्चों देखो, मैं अगर आपके मैसेज का रिप्लाई करने जाऊंगा तो प्लीज बच्चों गलती मेरी बात ध्यान देना, गलती इन द सेंस कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज पे ही ध्यान दूंगा, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन बहुत मजेदार है। चलो चलो चलो, P एंड Q और R, और P एंड कर दिया। अब ध्यान सुनो, मैंने P एंड Q और R को कॉपी किया और P एंड, बच्चों क्या इसमें से मैं निगेशन कॉमन ले सकता हूं, डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे निगेशन बाहर जाए यहां पे हो जाएगा Q, एंड का बन जाएगा और ये हो जाएगा R, हमने क्या अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ। चलो नेक्स्ट, अब ऐसा करने से देखो कुछ तो कॉमन हो रहा है, पी एंड कॉमन हो रहा है, तो आप क्या करो पूरा पी एंड ले लो बाहर, यहां पे क्या बचेगा, क्यू और आर, फिर यहां पे और है, यहां पे क्या बचेगा बच्चों, निगेशन ऑफ क्यू और आर। तो हमने पी एंड कॉमन लिया, मतलब क्या हो गया आपका, डी मॉर्गन्स लॉ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो कैसे हुआ, मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे निगेशन कॉमन लिया तो मैं क्या देख रहा हूं, पी एंड कॉमन हो रहा है और ये अलग है, तो पी एंड को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब आप सभी को पता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है उसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट की ही बारी आती है बच्चों, किसकी बारी, कॉम्प्लीमेंट की बारी, देखो जरा। सो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करने का, सेम स्टेटमेंट, क्यू और आर, एक नॉर्मल और दूसरा उसका निगेशन, बच्चों स्टेटमेंट सेम है, एक नॉर्मल है और एक दूसरा उसका निगेशन है, बोलो बीच में क्या आ गया, और मतलब ओटी, और मतलब ओटी ऑपरेशन थिएटर, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, यस। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, बच्चों ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आंसर पी आएगा, बिकॉज ट्रू एंड ट्रू आंसर, ट्रू फॉल्स रखने पे फॉल्स, मतलब पी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ये कौन सा लॉ हो गया, आइडेंटिटी, याद रखना। मैं आपको बता देना चाहता हूं एग्जाम में 99% चांसेस है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे। चलो सिंप्लीफाइड सर्किट बना लेते हैं, तो हमारे पास एक ही स्विच है, पी मतलब एस वन, उसके बाद बैटरी में कनेक्ट कर दो, फिर लैंप जला दो बस, और डायरेक्शन दे दो प्लस माइनस लिख के, हो गया। दिस इज द सिंप्लीफाइड सर्किट, वही बोला ना, न्यू स्विचिंग सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट विद न्यू स्विच बाय सिंप्लीफाइंग द गिवन सर्किट, यस। पहले हमने सिंबॉलिक फॉर्म बनाया बच्चों, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया, ये आपका सिंप्लीफाइड। ओके क्या सभी क्लियर है, यस, फटाफट बोलना बच्चों, फटाफट फटाफट फटाफट, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। हाँ बेटा आएगा, कॉमर्स के लिए भी आएगा, टेंशन मत ले, कॉमर्स के लिए भी आएगा, थोड़ा सा सबर कर, आ जाओ बच्चों। फाइंड द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, ओके, एंड यहां पे बोला है ये 2014 में 3 मार्क के लिए पूछा गया था। देखो अभी आप सर्किट के एकदम रूबरू हो चुके हो, S1, S2 डैश, S3, देखो सब लोग ध्यान, यहां पर ये पहला पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, तीनों आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल में है। तो सबसे पहले लेट S1, S2, S2 दो ही है, तो लेट पी क्यू, S1 डैश है तो निगेशन P, S2 डैश है तो निगेशन Q, बोलो स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S2 इज क्लोज्ड, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, स्मॉल L, लैंप इज ऑन। सिंबॉलिक फॉर्म बच्चों, मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
तीनों आपस में, हाँ बेटा क्लोज लिखना, क्यों टेंशन लिखता है, ओके तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, तीनों आपस पैरेलल मतलब क्या होगा, बीच में और आएगा, बोलो पहला क्या है, S1 मतलब P, दूसरा है S2 मतलब निगेशन Q, तीसरा है S1 और S2 का सीरीज बोल दिया मतलब एंड, S1 मतलब निगेशन P और उसके बाद क्या हो गया Q, देखा बच्चों आपने, सो फाइनली मुझे क्या मिल गया, P और निगेशन Q और निगेशन P एंड Q, ओके चलेगा क्या इतना सब लोग, यस। अब इसको मुझे इसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना है, सबका ध्यान यहां पे, इसका मुझे रिजल्ट देखना है कैसे, ये जो बच्चों P और निगेशन Q है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सॉरी इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये और मैंने कॉपी किया हुआ है, क्या मैं इसमें से निगेशन कॉमन ले लूं बच्चों, प्लीज ध्यान देना, जब मैं निगेशन बाहर लूंगा तो क्या हो जाएगा, निगेशन पी का हो जाएगा पी, एंड का बन जाएगा और क्यू का हो जाएगा निगेशन क्यू, ऐसे होता है ना जब माइनस को कॉमन लेते हो तो जहां पे रहता है वहां पे निकल जाता है, जहां पे नहीं रहता वहां पे लग जाता है, ऐसा कुछ। तो हमने क्या अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ, बिकॉज निगेशन को अंदर बाहर करने का काम किसका होता है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ का काम होता है, ठीक है चलो। सो पी और निगेशन क्यू हमने कॉपी किया और कॉपी किया, बट दूसरे वाले में से मैंने निगेशन बाहर निकाला, तो जैसे निगेशन बाहर गया पी और निगेशन क्यू हो गया, जरा देखो सभी लोग, पी और निगेशन क्यू एक नॉर्मल है और एक उसका निगेशन है, देखो ना ये नॉर्मल और ये उसका निगेशन, ये क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, बोलो कौन सा लॉ बच्चों, कॉम्प्लीमेंट, और है तो मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू, ऑपरेशन थिएटर, और है तो क्या हो जाएगा, ट्रू, दैट्स इट, यहां पर लिख दो कॉम्प्लीमेंट लॉ, यस। सो ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ स्विचेस कैसे भी हो, कोई ट्रू हो कोई फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान, अच्छा मतलब स्विचिंग टेबल भी बनाना हमको, अच्छा स्विचिंग टेबल बनाना, ठीक है एक्चुअली यहां पे स्विचिंग टेबल बनाना था, मैंने यहां पे सिंप्लीफाई कर दिया, कोई बात नहीं आप टेबल बना लेना बच्चों, आप टेबल बना लेना यहां पे, बस इसको इन टर्म्स ऑफ पी क्यू लिखना, पी क्यू फिर निगेशन पी निगेशन क्यू, याद है 1100 1010, ठीक है इसको मैं बना के दिखाता हूं, रुको 2 मिनट रुको बेटा कर देता हूं इसको मैं, एक्चुअली मैं सिंप्लीफाई करके बता दिया, फिर भी इसको बनाना चाहिए पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, देखो यहां पे जब मैं टेबल बनाने जाऊंगा बच्चों, स्विचिंग टेबल, देखो आपने 10 में बनाया होगा पी क्यू, फिर निगेशन पी भी चाहिए निगेशन क्यू भी चाहिए, अब ये निकालते हैं, पी और निगेशन क्यू मिलेगा, उसके बाद निगेशन पी एंड क्यू मिलेगा, फिर दोनों को और कर दो, पी और निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू, चलेगा यस, 1100 1010 बेटा, 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स, यस यस, कोई बात नहीं बच्चे, जितने हैं देखते रहो सब लोग, बच्चे हैं अभी टेंशन मत लो, ओके निगेशन पी तो 1 का 0 1 का 0 0 का 1 0 का 1, निगेशन क्यू 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1, अब बच्चों पी और निगेशन क्यू निकालना है, पी यहां पे है और निगेशन क्यू यहां पे, तो और मतलब एक भी ट्रू है तो ट्रू, मतलब एक भी वन है तो वन, क्या एक भी वन है, यस, क्या एक भी वन है, क्या यस, क्या एक भी वन है, नो, क्या एक भी वन है, यस, देखा जीरो, तो ऑन वन का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रू, समझ गए बेटा, डेरिवेटिव का वन शॉट हो चुका है ऋषिकेश, निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी यहां पे क्यू यहां पे, दोनों का एंड करना है, एंड का मतलब था दोनों वन होना चाहिए, दोनों वन है क्या, नहीं, दोनों वन है क्या, नहीं, दोनों वन है क्या, यस, दोनों वन है क्या, नहीं, तो बाकी केस में क्या हो जाएगा, जीरो। अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है बेटा, और, तो और का मतलब एक भी वन है क्या, है एक भी वन है क्या, है एक भी वन है क्या, है एक भी वन है, देखा आप सभी ने, मतलब सारी वैल्यू वन है, इसका मतलब ये होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्विचेस करंट हमेशा फ्लो होगा, जी हाँ बच्चों, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्विचेस करंट हमेशा फ्लो होगा, देख लो सभी लोग, यस मेरे प्यारे बच्चों, समझा क्या सभी को, ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है 2016 में 4 मार्क के लिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने करवाया,
बच्चों ये क्वेश्चन जस्ट मैंने भी कराया, देखो ये क्वेश्चन मैंने कहां गया ये ऐसा वही क्वेश्चन है बेटा, वही क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलो सो यहां पर हमने स्विचिंग सर्किट खत्म कर दी, क्या सभी को समझा, क्या जल्दी बोलो फटाफट, यस बच्चों क्या सभी को यहां पे क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों। कल कितने बजे लेक्चर होगा, कल बच्चों 4:30 बजे होगा लेक्चर एंड आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, यस। क्या बात है सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड प्लीज हो गया रे बेटा, मैं लेक्चर ही खत्म कर दूं, ब्रेक मांग रहा, मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूं। लगभग बहुत क्या आपने लगभग 2 घंटों से साथ में एकदम बैठे रहे, 2 क्या लगभग 2.5 घंटे होने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली एंड बहुत अच्छा लगा ये सभी। अगर आपने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं विथ ऑप्शन आपके 8 मार्क्स पक्के हो गए हैं। जी हाँ बच्चों, थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे कुछ और चैप्टर का वन शॉट वीडियो, तब तक स्टे ट्यून्ड, अच्छे से सेशन पे बने रहो, सेशन देखते रहो, बट उससे पहले जाने से पहले सेशन को लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया है। एंड गाइस ये सब क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और क्या, फटाफट अपने को पहुंचना है बहुत आगे। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय स्टूडेंट्स। एक मिनट फिर से रिमाइंडर दे रहा हूं, अभी हम जा रहे हैं लेकिन फिर से आने के लिए जा रहे हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वन शॉट रिवीजन, पूरा का पूरा सबसे बड़ा चैप्टर, एक शॉट में रिवीजन होगा कल शाम को 4:30 बजे। तो सभी बच्चों से नम्र निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लेंगे और डेटा बजा के रखेंगे और कल आ जाएंगे, बहुत स्पीड में लूंगा, फटाफट लूंगा और सारे टाइप कवर करूंगा, खुद भी आओ दोस्तों को भी लाओ और सबको बता देना कल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होने वाला है। शेड्यूल थोड़ा सा हमने जो सब चैप्टर का नाम चेंज किया है कल, ओके चलो कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।